राम राम भाई सभी को। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट का राकेश यादव सर के जितने भी एसएससी सीजीएल में सीपीयू में हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से वो क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट वाइज में डालता रहूँगा, तो उसमें आपको ये 40 या 50 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का हो, तो हर एक सम उसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपने और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो पहली बात, जो पहला क्वेश्चन है ये आता है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट का या फिर सक्सेसिव परसेंटेज या फिर सक्सेसिव इंटरेस्ट लगा लो, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? तो पहला क्वेश्चन देखो, हमको दे रखा है किसी चीज़ की क्रमबद्ध बढ़त दे रखी है 12.5%, 12.5% 2 बार। तो 12.5% को अगर मैं खोल कर लिखता हूँ तो इस तरह की परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 से 1/2 दे रखी है अपने पास, या तो 12 ये नीचे वाली एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करता है, 12 × 24 और 1 ये जो ऊपर वाली इसमें ऐड हो जाता है, 24 × 1 25/2% ये निकल कर आता है। तो परसेंट का हम लगाते हैं नीचे 100, ये आता है 25 × 100, तो यह बढ़ गई 1/8। समझ रहे हो बात ना? 1/8 या भी बन चुकी है। तो इसमें क्या है, ये जो 8 है ना, ये हमारे पास चाहे तो इसको प्रिंसिपल लगा लो या फिर मूलधन, कुछ भी हम इसको लगा सकते हैं, प्रिंसिपल या फिर मूलधन। और जो ऊपर वाला है या ये 1 ही है हमारे पास इंटरेस्ट, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ या हमारे पास इंटरेस्ट है, नीचे वाला हमारे पास प्रिंसिपल या फिर मूलधन, कुछ भी हम इसको लगा सकते हैं। तो पहले साल कितना था हमारे पास, था ये 8, अगले साल बढ़ गया कितना हो गया 8, और 1 इंटरेस्ट लग गया अगले साल हो गया 9। उसी तरीके से 12.5% अगले साल का, तो अगले साल का भी हो गया पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का, अगले साल भी 8 और 9। तो हमने टोटल दोनों ईयर का अगर कंबाइन करके निकालना, तो हम सिंपली कुछ नहीं करते, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर से नीचे, 8 और 8 64, 8 2 64 हो गया और निम 81। तो यो तो हमारे पास निकल का आता है इसका मूलधन, जो कि होता है प्रिंसिपल, समझ रहे बात ने? और ये आता हमारे पास कंबाइंड अमाउंट, ठीक है। ये होता आ गया हमारे पास मूलधन, या होगी उसकी अमाउंट। अमाउंट में क्या होता है हमारे पास प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल जमा में कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर, समझ रहे हो बात में? प्रिंसिपल सिंपल जो हमें मूलधन हमने ब्याज पे दिया है, और अमाउंट हमारे पास यह निकल का ही है, जिसमें क्या होता है प्रिंसिपल भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। पहले साल 8 था, इसमें इंटरेस्ट 1 जुड़ का हो गया 9, दूसरे साल भी 8 था, इंटरेस्ट जुड़ का हो गया 9। कुछ नहीं करना, दोनों साल का हमने कंबाइन क्रमबद्ध बढ़त निकाल दिया, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना और ईबीस में देना कितने का बढ़त हुई है। तो कितने की बढ़त हुई है 64 से 81, अगर मैं 81 में तो 64 घटाऊँ तो ये बचेगा अपने पास 17। तो जो 17 निकल का आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल का आया है, क्योंकि अगर मैं प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट में से प्रिंसिपल घटाऊँगा तो ये कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा, समझ गए बात में? तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ निकल का कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पर 17। तो मैं बताना इसके समतुल्य बढ़त ज्ञात करो, ना समतुल्य बढ़त ज्ञात करनी, मतलब एक इंक्रीज परसेंटेज, कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 17, किस पे इंक्रीज हो रहा है 64 पे इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज निकालिए गुणा कर देंगे 100, तो 17/64 × 100 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो एक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगी, अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं इन दोनों का माइनस करता हूँ तो हमारे पास प्रिंसिपल कैंसिल हो जाता है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आता हो किसके बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। तो ये सारी की सारी मैंने बेसिक स्टर्म आपको बता दी है, परसेंटेज को आपने कैसे रीड करना है। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसके और इवेल्युएट करेंगे क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से समझते जाएंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है भाई दो, इसको करने के कंपाउंड इंटरेस्ट को तीन तरीके होते हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूँ इसका मॉडर्न मेथड, सॉरी जो पहले हम मेथड यूज़ कर रहे थे, कंपाउंड अमाउंट क्या होती है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस में 1 + R/100 × T। तो हमारे पास पी, तो हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल मूलधन, कंपाउंड अमाउंट क्या होती है कंपाउंड अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, आर हमारे पता है रेट जो कि हम किसी परसेंटेज पे किसी को पैसा देते हैं, टी हमारे पास टाइम, कितने टाइम के लिए, ठीक है। दूसरा जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला ऊपर वाला सक्सेसिव परसेंटेज वाला मेथड मैंने बताया था, और तीसरा तरीका होता है इनका ट्री मेथड, ठीक है। तो मैं आपको यो पुराना तरीका हो जाएगा, इससे तो मैं करवाऊँगा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि इससे भाई अपना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने करना है, सेकेंड का पहला मेथड मैं बताता हूँ जो कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया सक्सेसिव डिस्काउंट वाला।
तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देगा समय तो दे रखा 2 वर्ष का, रेट दे रखा 12.5% और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 6.80 रुपये। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करना, रेट जो है 12 से 1/2% इसको खोल के लिख लेंगे तो 12 × 24 और 25/2% परसेंटेज का हम 100 लगा देंगे नीचे, तो 25 × 100 = 1/8। तो पहले साल का प्रिंसिपल हमारे पास 8 और इंटरेस्ट जुड़ का हो गया 9, दूसरे साल का प्रिंसिपल भी हमारे पास 8, प्रिंसिपल जुड़ का हो गया 9, सॉरी इंटरेस्ट जुड़ का हो गया 9। और हमने करना कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पर समय 2 वर्ष है, तो पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का ही हमने यहाँ पर निकल दिया। ये हमारे पास प्रिंसिपल, यह हमारे पास कंपाउंड अमाउंट, जिसमें क्या कंपाउंड अमाउंट किसके बराबर होती है बता देता हूँ, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इब अगर मैं इसका प्रिंसिपल निकालूँ टोटल तो 8 8 हो जाए 64 और वह निम्न हो जाएगा 81। ये भी होता हमारे पास कंपाउंड अमाउंट जो कि प्रिंसिपल जमा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये खाली प्रिंसिपल, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ तो ये हमारे पास आएगा 17, जो कि किसके बराबर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। इब जो भी टर्म हमको दे रखी होगी ना हम उसका एक मल्टीपल निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 6.80 रुपये और यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 17 के बराबर, तो जो 17 यूनिट है किसके बराबर हो जाएगी 6.80 के। तो हमने यहाँ पे एक मल्टीपल निकालना, मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे, तो 17 यूनिट या फिर 17 एक्स मान लो, 17 वाई मान लो, 17 जेड मान लो, तो वह हमने यूनिट की वैल्यू निकाली, तो 17 एक्स मान लेते कुछ भी मान लो, तो वह जो यूनिट की वैल्यू है एक्स की वैल्यू है या 1 की यूनिट मानोगे तो कुछ भी हमने वो निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.80/17, सिंपल सी बात थी। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड करना है, तो जो एक यूनिट की जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी या फिर एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी अपने पास आएगी 0.4 के बराबर, या फिर आपको इसको पॉइंट हटा सकते हो। ठीक है, यो कटा पूरा का पूरा 4 पे, और जो इसकी एक जीरो है 68 की है, फिर इसने 40 पे जाकर कटेगा, तो एक जीरो ने एक जीरो काट दो, 4 × 10 तक डिवाइड करोगे तो 0.4 हमारे पास बच गया। मतलब जो मल्टीपल हमारे पास बढ़ा मतलब कंपाउंड रेट दे रखा है 6.80 रुपये, क्या मल्टीपल है यहाँ पर 0.4 इसका मल्टीपल है, मतलब एक्स की वैल्यू 0.4 है, तो हमने निकालना है प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या था 64 या फिर 64x, कुछ भी मान लो 64 मान लो या 64x मान लो एक ही बात है, तो 64x की वैल्यू रखनी है हमने सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं करना था, 64 गुणा में 0.4, तो 4 ने तब मल्टीप्लाई कर दिया 64 ने, पॉइंट हम बाद में लाए, 64 × 4 = 16, 1 × 6 = 24 = 25, एक पॉइंट के आगे एक अक्षर के आगे पॉइंट था, तो यहाँ भी एक अक्षर के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल का आएगा वो आएगा 25.6 के बराबर, समझ रहे हो बात ना। तो प्रिंसिपल यहाँ पे निकल का आ गया 25.6। अगर यहाँ से मैं कंपाउंड अमाउंट भी निकालना चाहता वो भी निकाल देता, बस कुछ निकालना था 81 को 0.4 तक मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हम हर एक चीज़ इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रेट दे रखा है 16 से 2/3, टाइम दे रखा है 2 साल का, कुल धनराशि दे रखी है 1470 रुपये, मूलधन निकालना मतलब कुल धनराशि का मतलब हमारे पास कंपाउंड अमाउंट दे रखा है, अपना प्रिंसिपल निकालना है, टाइम हमारे पास 2 साल का और रेट हमारे पास 16 से 2/3, तो रेट ना हम सिंपली फॉर्म में निकाल 16 × 3 = 48 × 48 = 2 = 50, 50/3% परसेंटेज का हम लगा देंगे 100 नीचे हटा देंगे तो ये जाएगा 1/2 तो ये बनेगा 1/6, समझ रहे बात ना। तो पहले साल का जो हमारे पास प्रिंसिपल हुआ 6 और इंटरेस्ट जुड़ने के बाद हो जाएगा 7, दूसरे साल का इसी तरीके से 6 है और प्रिंसिपल इंटरेस्ट जुड़ने के बाद हो जाएगा 7, तो हमारे पास टोटल आएगा 36 और 77 49, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड अमाउंट और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल के बराबर, सिंपल सी बात है दोनों की दोनों हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या देगा कुल धनराशि जो कि हमारे पास कंपाउंड अमाउंट के बराबर, तो अब आप समझ गए होंगे हमने क्या करना है, जो 49 दे रखे आए हो नीचे कंपाउंड, ये किसके बराबर है 1470, तो यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर है या फिर एक्स लगा लो यहाँ पे एक्स किसके बराबर होगा 1470/49। ठीक है, 7 पर काटें 77 49, 7 × 14 = 7 = 7, फिर 7 × 21, तो एक यूनिट या फिर एक्स मान लो किसके बराबर आ गया 30, तो एक यूनिट मान लो या फिर एक्स मान लो भाई एक ही बात है। ठीक है, तो आगे हमने निकालना मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास 36 यूनिट, तो 36 यूनिट किसके बराबर हो जाए मतलब 36x किसके बराबर हो या फिर 36 यूनिट, तो 36 ने क्या करना हमने सिर्फ और सिर्फ 30 तक मल्टीप्लाई करना, हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाए। तो अगर 36 ने मैं 36 ने क्या करो 3 तक मल कर लो 6 × 3 = 18, 1 × 3 = 9 और 1 = 10, 108 और या 01 कर लो जगह यहाँ पर,
तो 1,080 रुपये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। अगर इसी तरीके से अगर हमने के यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसका सम डिफरेंस जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो 49 में तक अगर मैं 36 घटाऊँ, देखो 36 और 4 40 और 9 और 4 13, मतलब 13 यूनिट। तो अगर 13 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 30 के, तो 13 गुना में 30, तो 13 3 39, तो 390 आ गया हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने दूसरा तरीका देखा तो कुल धन राशि दे रखी थी, मतलब कंपाउंड अमाउंट दे रखी 1470, प्रिंसिपल हमने निकाला 1,080, इसका भी अगर मैं सम डिफरेंस निकालूँ तो 390 रुपये के बराबर आएगा। तो ये आपने बातें ध्यान रखनी है कि कंपाउंड अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, रेट क्या है, ये सभी आपके दिमाग में बात घूमनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में ये मेथड लागू नहीं होगा क्योंकि अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले पुराने वाला मेथड करेंगे और उसके बाद ही मैं यहाँ पर ट्री मेथड इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर ट्री मेथड होगा और जिस कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें यू वाला मेथड जो अपना सक्सेसिव डिस्काउंट वाला यूज़ होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4th में दे रहा है कुल धनराशि हमने निकालना, मतलब हमने कंपाउंड अमाउंट निकालनी है, सिंपल सी बात है। मूलधन का भी हमने नहीं पता, रेट दे रहा 11 से 1/9 जो कि हो जाए 11 99 99 और 100/9, परसेंटेज का हम देखो 100/9 हो गया, परसेंटेज का हम 100 लगाऊंगे नीचे तो ये आ गई रेट 1/9। ठीक है, समझ गए 1/9। टाइम है 2 वर्ष का, ठीक है, तो पहले साल का 9 और यहाँ पर 10, फिर दूसरे साल का 9 फिर यहाँ पर 10, टोटल हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 99.81 और ये कंपाउंड अमाउंट आ गई हमारे पास 10 ना 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100। तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, ये आ गया हमारे पास अमाउंट और इसमें तो जो डिफरेंस आएगा जो कि हमारे पास 19 वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। ये भी यहाँ पे इसने क्या दे रखा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 70 रुपये के बराबर, तो इसमें हम तो दे रखा है सेकेंड वर्ष का CI, मतलब दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 70 रुपये। तो इस केस में हमने यहाँ पर पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, सेकेंड वर्ष का नहीं पता, तो इस तरीके वाले में हमारा जो मेथड होता है फेल हो जाता है। तो ये मेथड फेल हो गया था भाई, आप इसे रब कर दें, हमारा इसका कोई काम नहीं है। जो मेथड क्वेश्चन में यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊँ कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करने, सिंपल चीज़ में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा, प्रिंसिपल दे रखे आप पूछ रखे हो या फिर कंपाउंड अमाउंट पूछ रखी हो, टाइम और रेट दे रखे हो, तो वह हम कर सकते हैं। ये सेकंड वर्ष का CI या फिर CI और SI का डिफरेंस पूछ रखा हो उसमें भी ये मेथड लागू नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ कि भाई अपने पास कौन सा तरीका इसमें कारगर होगा। तो इसमें आता अपना एक ट्री मेथड, ट्री वाले मेथड में हमने कुछ निकालना होता, रेट हमने निकाला था, रेट आया था 1/9 के बराबर, समझ रहे हो, 1/9 के बराबर। इब हमने इसमें क्या करना होता है, इसमें एक अजम्पशन लेकर चलनी होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर टाइम है 2 वर्ष का, तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना होता है, प्रिंसिपल इसमें एज्यूम करना होता है। तो वो कैसे एज्यूम करते हैं, जो रेट का जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या, तो वो अगर क्या करते हैं हम 9 है, तो अगर टाइम 2 वर्ष का तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर टाइम 3 वर्ष का तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम 1 वर्ष का तो इसको 1 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में क्या, टाइम 2 वर्ष का तो हम 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99.81। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल का होगा वो है हमारे पास 81 के बराबर, सिंपल सी बात है। ठीक है, इब इसके बाद क्या होता है, इसमें लगता है इसमें लगता है इसका रेट, मतलब 1/9 के हिसाब से हमें इसका ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल के लिए 1/9 के हिसाब से कितना ब्याज लगा, 81 का 1/9 हो जाएगा 99.89 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे साल का भी 1/9 लगेगा तो 99.81, दूसरे साल का भी 9 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट की आपने खास बात पता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की यह एक खास बात है कि भाई जो ब्याज हमारे पास बनता है उसका भी ब्याज लग जाता है। तो एक साल पूरा होने के बाद इस साल एक कंपाउंड इंटरेस्ट का इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा जो कि हमारे पास 1/9 के बराबर, तो 9 का 1/9 हो जाए 1 रुपया का बराबर, समझ गए बात ने। एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल का वो है 9 रुपये, दूसरे साल का है 9 और 1 10 रुपये, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगा 1 रुपया और दूसरे साल में 9 रुपये इसके 81 पर लगना ही था। तो पहले साल का आया हमारे पास 9 रुपये, दूसरे साल का लिखट गया अपने पास 10 रुपये के बराबर। ये भी यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 70 रुपये, और हमारे पास यहाँ पता है कि भाई ये कंपाउंड दूसरे वर्ष का कितना, 9 और 1 10 यूनिट, तो 10 यूनिट दे रखे है बराबर है 70, तो कितना गुना है 7 गुना, तो 1 यूनिट बराबर होगी 7 के बराबर, सिंपल सी बात है। ये भी यहाँ पर कुल धनराशि पूछ रखी है, कंपाउंड अमाउंट और मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, पहले तो हम प्रिंसिपल निकाल दो, प्रिंसिपल हमारे पास 81 यूनिट,
एक यूनिट बराबर है सात के, तो गुणा में कर देंगे सात, सिंपल सी बात, सात एकम सात, सत्तर अठू छप्पन, तो 567 रुपीज़ तो आया हमारे पास इसका प्रिंसिपल, सिंपल सी बात थी। उसके बाद अगली जो चीज़ पूछ रखी, उसने पूछ रखी है कुल धनराशि, कुल धनराशि कितनी, देखो भाई 81 था प्रिंसिपल पहले साल का, इंटरेस्ट हो गया 9 रुपये, दूसरे साल का ये हो गया 9 रुपये, और ये हो गया 1 रुपया, तो 9 9 18 और 1 19, तो अगर मैं 18 81 में 19 जोड़ दूँ तो हमारे पास बचेगा कुल धनराशि जो कि अमाउंट है 100 यूनिट के बराबर, और हमने पता है 1 यूनिट किसके बराबर है, 7 के, तो 100 गुणा में 7 आ जाएगा 700 रुपये के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड अमाउंट, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा ब्याज भी निकल आएगा जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यह मैं उम्मीद करता हूँ आपने बेसिक मेथड इसका समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस भी निकालूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। वो आने वाले क्वेश्चन में हम पता करेंगे कि कैसे हम उसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे पाँचवा। देखो भाई भाई पाँचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूलधन हमें निकालना है, रेट दे रखा 15%, टाइम दे रखा 2 वर्ष का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया 2.70 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज भी हमने निकालना है। तो दो चीज़ निकालनी है, मूलधन जो कि है प्रिंसिपल पहली चीज़, दूसरी चक्रवर्ती ब्याज सॉरी जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, दो चीज़ हमने निकालनी है। ठीक है, रेट दे रखा 15%, तो रेट को हम निकाल दें, परसेंट है, परसेंट का हम निकाल देते नीचे 100, तो 5 3 15, 5 2 5 2 10, ठीक है, तो 3/20 आ गया। ये ऊपर 3 आ रहा है ना भाई, इस तरह डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमने मैंने बताया था कि हमने डिनोमिनेटर देखना है सिर्फ और सिर्फ, टाइम है 2 वर्ष का, तो डिनोमिनेटर ना हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 गुणा में 20 जो किया जाएगा 400 के बराबर, तो ये हमारे पास निकल के आ गया इसका प्रिंसिपल। दो अब 2 वर्ष का टाइम है, तो पहले साल इस पर लगेगा हमारे पास ब्याज, दूसरे वर्ष भी लगेगा, तो पहले वर्ष कितना लगेगा 3/20 इसका, इसका भी 3/20, तो 400 का 3/20 लगा ले एक बार, तो 0 0 का 2 2 4 20 30 60, तो मतलब एक पहले साल का ब्याज होगा 60, दूसरे साल का ब्याज होगा 60 रुपये के बराबर। ई पहले साल के जो ब्याज उस पर भी ब्याज लगा, तो 3/20, तो अगर मैं 60 का 3/20 निकालूं तो 20 30 60 3 3 9, समझ गई बात ना, पहले साल का ब्याज आएगा और दूसरे साल का ब्याज आएगा, पहले साल का ब्याज हमारे पास 60, दूसरे साल का ब्याज है 69 के बराबर। ये मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगा, जो भाई देखो पहली वाली लाइन है हमारे पास, या जो ये होता है ना हमारे पास, ये होता है सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो टोटल है हमारे पास ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। दोबारा सुन लो बात ना, जो फर्स्ट लाइन रहोगी ना हमेशा, जितने भी चाहिए इसमें 3 साल का हो या गया 4 साल का हो, तो पहली लाइन पूरी की पूरी हमारे पास कम सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रहेगी। मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाए 60 60 120 के बराबर, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सारा का सारा टोटल 60 60 120 29 129, तो मतलब यहाँ पे क्या आया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या डिफरेंस आया, 9 यूनिट का, रुपये नहीं कह सकता मैं, मतलब 9 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पे दे रखा 2.70 के बराबर, समझ रहे, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 2.70/9, पॉइंट हटा दो नीचा हुआ 100, तो 9 3 27 30 पे गया, 0 तो 0 गई, बनाया 0.3 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर आया 0.3 के। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ निकालनी है, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वो निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिंसिपल हमारे पास था 400 यूनिट, तो 400 यूनिट 1 यूनिट बराबर है 0.3 के, तो 0.3 तो मल्टीप्लाई कर दें 3 4 1200 के बराबर, ये पॉइंट 1 आ गया तो 1 0 हटा देंगे, तो 120 रुपये आ गया हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल। उसी तरीके से हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 129 यूनिट, समझ रहे हो बात ना, 129 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 0.3 के बराबर, तो 129 ना अगर मैं 0.3 तय करूँगा तो आएगा 338.70, ये करके देख लेना 38.70 रुपये आ जाएगा इसका हमारे पास ब्याज। तो इस तरीके से हमने ये करना, बस ये ध्यान रखना जो पहली लाइन है ये आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल आएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो ये नीचे वाली चीज़ है ना अगर सीधा ही देखना हो अपने, या जो नीचे वाली चीज़ जो 9 बचा है सीधा CI माइनस में SI आएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो कि हमने यहाँ पर देखो 9 लिखा था, ठीक है, जो नीचे वाली टर्म है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम अगला, उसी के बेस पर भाई अगला क्वेश्चन दे रखे आए हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मूलधन हमने निकालना है, टाइम दे रखा 2 वर्ष का, CI और SI का जो डिफरेंस है वो है 40 रुपये। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके दे रखा था, मूलधन पूछ रखा है, टाइम दे रखा 2 वर्ष का, डिफरेंस यू है, और रेट दे रखा है पहले वर्ष के लिए 14 सही 2/7, और सेकेंड ईयर के लिए 11 सही 1/9 के बराबर।
तो देखो टाइम है 2 वर्ष का, तो पहले साल के लिए हमने 14 से 2/7 प्रिंसिप हुआ रेट, तो इस 14 से 2/7 ना हम खोल लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/7 के बराबर। परसेंटेज की जगह हमने 100 लगाना बस, और 11 से 1/11 99 100 100/1/9 के बराबर। ये भी यहाँ पर देखो टाइम 2 वर्ष का, तो जो कोई डिनोमिनेटर इसका 7, इसका डिनोमिनेटर है 9, तो कुछ नहीं करना अपना प्रिंसिपल के लिए 7 ने 9 तक गुणा कर दो। देखो 2 टर्म आ गई 7 ने 63, तो हमने प्रिंसिपल मान के चलना 63 के बराबर, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल लगा 63 के बराबर। ये भी यहाँ पर पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। ये भी यहाँ पर ध्यान क्या बात रखनी है आपने, कि जो पहले साल पर ब्याज ले रहा है वो लग रहा है 1/7 के बराबर, सिंपल सी बात है। दूसरे साल के ऊपर ब्याज लग रहा है 1/9 के हिसाब से, तो 1/7 63 का 1/7 7 नीम 63, तो पहले साल का ब्याज आगा 9 रुपये, इसका है 9 9 7। ठीक है, 9 7 63 7 नीम 63, तो दूसरे साल का ब्याज निकल का आया 7 रुपये के बराबर, समझ रहे हो बात ने। इसके ऊपर ब्याज आ गया, देखो एक साल का तो आ गया, ई भी इस पर क्या लगेगा, दूसरे साल का ब्याज और लगेगा, मतलब दूसरे साल के ब्याज का परसेंटेज क्या 1/9, तो इसका 1/9 और मतलब 1 रुपया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 7 का सम, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं लिखूँ तो 9 और 7 16, और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखूँ तो 9 और 7 16 और 1 17 यूनिट के बराबर, समझ गए बात है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट है 16, कंपाउंड इंटरेस्ट है 17, CI माइनस में SI मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस जो मैंने बताया था ये होता है, तो ये है 1 यूनिट के बराबर। अरे यहाँ पे कितना दे रखा है 40 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर है 40 के, तो हमसे नहीं पूछ रखा था मूलधन जो किया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल किसके हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 40, तो 63 यूनिट हो जाएगा, 63 गुणा में 40, 3 चौके 12, 1 6 चौक 24, 1 25 25 252 और 1 0 लग जाएगी, तो 2520 हो जाएगा हमारे पास इसका प्रिंसिपल, समझ गए बात ना। उसके बाद अगर हमसे कुछ और तो पूछ नहीं रखा, तो हमसे यही पूछ रखा था, तो प्रिंसिपल यहाँ पे निकल के क्या आया 2520 रुपये के बराबर। ठीक है, तो इसके बाद भाई अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन कराऊंगा, अरे सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में डाल के लास्ट में कंपाइल्ड वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपने आसानी रहे इन क्वेश्चनों को करने की। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा माइंड पर, ये जो मैंने मेथड कराए हैं इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना, बुक सारी की सारी कोई भी बुक हो वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। अब अगले वाली जो वीडियो है कल मैं डाल दूंगा। धन्यवाद तब के लिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो अगला भाई क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर इसका 7, यहाँ पर देखो मूलधन मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे दिया हमको यहाँ पर 18,000 के बराबर। उसके बाद जो रेट है 16 से 2/3, जो कि हमारे पास है 16 से 48 48 50/3%। ठीक है, तो 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से 48 मल्टीप्लाई होता है नीचे ऊपर, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर ये 16 से 48 और 2 50, मतलब 50/3% हम इसको लिख सकते हैं। और गुणा में इसका परसेंटेज का है अगर 1/100, तो इसको काट दूँगा तो ये बन जाए 3 × 2 = 6, तो 1/6 बन जाएगा इसका। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई 6 है हमारे पास इसका प्रिंसिपल, और 1 लग रहा है हमारे पास इंटरेस्ट हर साल। तो यहाँ पर देखो टाइम दे रहा है 1 वर्ष और 73 दिन, मतलब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इस केस में 2 वर्ष का टाइम। तो उन्होंने बताया कि अगर 2 वर्ष का टाइम है तो हमने ये इसका डिनोमिनेटर लेना है, और 2 वर्ष का टाइम है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, और वो हमने क्या लेना है प्रिंसिपल मान के चलना है। तो 36 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल, तो 36 हो गया प्रिंसिपल। पहले साल का ब्याज लगेगा, दूसरे साल का ब्याज लगेगा, पहले साल में कितना ब्याज लगेगा 1/6, तो हम यहाँ भी 1/6 लगा लेंगे, और दूसरे साल में भी 1/6 लगेगा इसका ब्याज। तो पहले साल का 1/6 बात, तो छिक छिक 36 6 आ गया हमारे पास पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का भी ब्याज आ जाएगा 6, ये पहले साल वाले ब्याज पे फिर ब्याज लगा कितना 1/6, जो कि हो जाए 1 रुपये के बराबर। तो यो तो गया पहले साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज, ये वाला टोटल पूरा, समझ के बात ने। ये भी यहाँ पर दे रखा है 1 वर्ष और 73 दिन, यो तो पूरे दूसरे वर्ष का है यहाँ पर, मैंने यह बात ध्यान रख कर चलिए, हमने 73 दिन का निकालना है। ये भी यो है पूरे दूसरे साल का, मतलब दूसरे साल का पूरा पूरा ब्याज गिना 6 × 7 रुपये, मतलब 1 वर्ष में कितने होते हैं 365 दिन, 365 दिन का ब्याज है 6 × 7 रुपये, 7 रुपये या 7 यूनिट कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हमने निकालना है 73 दिन का। तो इसमें यहाँ पर 365 डे है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 7/365, और 73 दिन का निकालना है तो 73 गुणा कर देंगे दोनों साइड, सिंपल सी बात थी। तो 7 गुणा में 73 और 365 काट के हमारे पास आएगा 1.4 के
बराबर समझ में। मतलब पूरे साल का ब्याज तो है 7 रुपये, लेकिन उसमें तो 73 दिन है, 73 दिन का ब्याज आएगा 1.4 यूनिट या फिर रुपए कुछ भी लगा लो। तो यहाँ से दूसरे साल का ब्याज निकल गया 1.4 और पहले साल का ब्याज है 6, तो टोटल ब्याज कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 6 और 1.4 ही हो जाए अपने पास 7.4 के बराबर, ये यूनिट आ गई। तो ये क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इब हमने निकालना भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन ये है यूनिट के अंदर हमारे पास, और निकालना हमने रुपया में। तो हमारे को मूलधन दे रखा 18,000 के बराबर, यहाँ पर मूलधन हमने पता है जो कि प्रिंसिपल हुआ 36 के बराबर, तो 36 यूनिट बराबर 18,000 के, सिंपल सी बात है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 18,000 बटे में 36। तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ से आएगा 5 बजेगा 18 पंजे 36 योग पंजे 180, ठीक है। तो 36 पंजे 180 और फिर 2 जीरो की 2 जीरो, तो एक यूनिट बराबर आ गई 500। तो हम नया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना जो कि है 7.4 यूनिट। तो इसने सिंपल कुछ नहीं करना, हमने 500 तक गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास 3,700 के बराबर। तो ये था हमारा इसका आंसर, इस तरीके से हमने निकालना है सातवें क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे एक वर्ष थी पूरा देर का 73 दिन, तो इस टाइप से हम इसके सॉल्यूशन निकालते चलेंगे आगे भी। उसके बाद बिल्कुल सेम है भाई क्वेश्चन नंबर 8, मूलधन निकालना है, इसमें हमने प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हम इस तरीके से निकालेंगे, वो जो पिछला बताया था ना उसी तरीके से बिल्कुल सेम हमने निकालना। तो पहले तो हमने देखना रेट, रेट दे रखा 15%, परसेंट की जगह हम लगा लेते सो, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो 3/20 आ गया। बस इसमें बताया था कि डिनोमिनेटर हमने चेक करना है, यहाँ दे रखा 1 वर्ष और 6 महीने मतलब 1.5 साल। तो यहाँ पर मैं 2 ही साल लगा चल रहा हूँ प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल को 2 बार गुणा कर दूंगा मैं, सॉरी इसको डिनोमिनेटर को, तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल का आएगा वो आएगा 400 के बराबर 400 यूनिट। तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज कितना लगा 3/20, क्योंकि रेट हमारे पास ये है 3/20, दूसरे साल का भी 3/20, तो 20 × 20 = 50, 20 × 40, तो 20 × 3 = 60। तो पहले साल का ब्याज आया 60, इसी तरीके से दूसरे साल का भी 60, पहले ब्याज पर फिर ब्याज लगा इसका भी 3/20, तो 60 का अगर मैं 3/20 कर दूँ वो है 20 × 3 = 9। तो ये आ गया हमारे पास दूसरे साल का ब्याज, ये आ गया हमारे पास पहले साल का ब्याज। ये क्या आ रहा है, वह 1 और 6 महीने मतलब ये देगा पूरे दूसरे साल का, दूसरे साल का कंप्लीट मतलब कंप्लीट 1 साल का ब्याज है 69। तो आधे मतलब 6 महीने का कितना हो जाए, मतलब 69 का आधा हो जाए, सिंपल सी बात है 69 का आधा हो जाए, क्योंकि आधे साल का निकालना है, 6 महीने का निकालना है। तो 69 कर दो डिवाइडेड बाय में 2, या फिर आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो 1 साल का, या फिर 1 साल का है हमारे पास 69, 6 महीने का कितना हो जाए, 1 साल में कितने होते हैं 6 6 महीने के पेयर 2 होते हैं, तो इसका सिंपल सा बात हमने ऑफ कर देना है। तो ये आ जाए हमारे पास 6 महीने का इसका ब्याज। तो 69 का अगर मैं अदा करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास 34.5, मतलब पूरे उस साल का ब्याज था 69, लेकिन 6 महीने का ब्याज कितना हो जाए 34.5। तो 1 साल का पूरा ब्याज हो गया 60, और अगले साल का सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ब्याज हो गया 34.5। तो टोटल ब्याज कितना बनेगा अपने पास 60 और 34.5, तो ये जो 5 × 9 = 4 और 6 = 3 = 9, तो 94.5 आएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा टोटल। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 9.45 रुपये है। तो यहाँ पे यूनिट है ये रुपया, तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई 9.45 बटे में 94.45। इब इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे जाएगा 100, तो ये तो आपस में कट गई, इसने काट दें 0, तो 1 यूनिट बराबर आई है 1/10 रुपये के बराबर। ये जो भी हम तक निकालना वो निकाल देंगे। ये मारते थे पूछ रखा मूलधन कितना स्टार्टिंग में पूछ रखा था, तो मूलधन सिंपल सी बात हमारे पास था 400, और 1 यूनिट बराबर 1/10 के, तो 1/10 तो इन्हें डिवाइड कर दो, तो 0 0 गया, बचा हमारे पास कितना मूलधन, मूलधन था हमारे पास 40 रुपये के बराबर। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था, हम दोनों तरीके से कर सकते, एक तो ट्री मेथड थे और एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाले मेथड से। तो पहले वाला जो मेथड था जो हम स्टार्टिंग से करके, जो जो सा भी छोटा पड़ेगा मेथड भाई हम वो ये करेंगे। तो मूलधन निकालना मतलब हमने यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखा है 10% मतलब आ जाएगा 1/10 के बराबर, मतलब 10 है हमारा प्रिंसिपल और 1 हमारे पास इंटरेस्ट, मतलब 10 है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ये आ जाएगी हमारे पास अमाउंट जो कि हो जाएगी 11। तो कितने साल के लिए है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार हम लिख देंगे ना 10 × 10 = 11 और ऊपर से नीचे कर देंगे हम इसने मल्टीप्लाई, तो 10 × 10 × 10 हो जाएगा 1000 और 11 × 11 = 121, सर एक और बार मल्टीप्लाई कर दें आ जाए 1331। तो ये प्रैक्टिस करने से भाई आप चीज़ आप लोगों के पता लग जाती है। तो ये तो गया हमारे पास टोटल प्रिंसिपल,
यह आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट। अमाउंट में हमारे पास क्या क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जमा में प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल का होगा, क्योंकि देखो ये अमाउंट होती है सी आई प्लस में पी, इसमें से अगर मैं पी घटा दूँ तो सिंपल सी बात है सी आई ही रह जाएगा। तो 1000 में से 1331 गए रहेगा 331, तो ये आएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल का। जो भी पूछ रखे वो बता देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है 6620 के। तो 331 यूनिट बराबर है 6620 के चाहिए, तो एक मल्टीपल ढूंढ लो या फिर इसने डिवाइड करोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आओगी यहाँ पर 6620 बटे में 331, तो ये दो पे जावा, तो एक यूनिट बराबर आ गई 20 के। तो हमने निकालना है मूलधन, मूलधन कितना हमारे पास 1000, तो 1000 एक यूनिट बराबर है 20 के, तो गुणा में कर दो 20, तो ये आ जाए अपने पास 20000 के बराबर प्रिंसिपल। समझ गए बात ना। तो इस तरीके से हम सिंपल से तरीके से ये क्वेश्चनों को सोल्व कर दे। ट्री मेथड है, ट्री मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, वो अपने आप करके देखना। मैंने जो सिंपल मेथड था आपको लोगों को बता दी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। इब अगले क्वेश्चन में दे दिया सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो इसमें हमने ट्री मेथड लगाना पड़ेगा फॉर श्योर, ये हमने पता है। तो यहाँ पर मूलधन नहीं पता, टाइम देगा 3 वर्ष का, रेट देगा 15% का, तो हमने ये चीज़ें काफ़ी है। तो हमने पता है कि 15% को हम क्या लिखते हैं 3/20, टाइम है 3 वर्ष का, तो 20 ने क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। अभी 20 यो 40 से फिर हो जाए 80, तो 8000 के बराबर आ जाए हमारे पास प्रिंसिपल इसका। तो ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल के बराबर। ये ध्यान से देखना, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, 3 साल का हमारे पास लगेगा ब्याज। तो इसका 3/20, इसका 3/20, इसका 3/20, तो 3/20 तक करते 1 0 1 0 की 2 4 4 4 3 तक कर देगा अपने पास आएगा 1200। तो 1200 पहले साल का, दूसरे साल का भी है, तीसरे साल का भी है। तो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा वो अलग बात है। तो ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं हम पहले दूसरे साल वाला 3/20 के बराबर, तो ऊपर 3/20 है, तो 20 2 6 12 6 6 18 180 होगा, ठीक है। तो ये हमने ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया, इसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया दूसरे साल में, तो इसका भी 3/20 जो कि हो जाए 180, 180 पे फिर हमारा ब्याज लगाएगा जो कि हो जाए हमारे पास 180 का 320, तो इसने भी काटेंगे तो अपने पास 0 3/20 इंटू में 180 0 0 2 9 3 9 3 में 27, तो जहाँ 27 रुपये। अरे इसका जो पहले साल का, तीसरे साल का और ब्याज लगेगा, यहाँ पर सीधा टोटल आएगा इसका 3/20 जो कि हो जाए 180 के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये ब्याज निकालने हैं। तो ये पहले साल का ये अपने इस तरीके से ब्याज निकलते आ रहे हैं, ये सारे के सारे ब्याज हैं जो मैं गोले में ला रहा हूँ। तो जो टोटल है ना ये वाला, ये हो गया तीसरे साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज, ये हो गया पहले साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज है 1200, दूसरे साल का 1200 और जमा में 180, तीसरे साल का ब्याज है 1200 जमा में 180, जमा में 180 जमा में 27, ये टोटल नहीं करना अपन है। तो यहाँ पर दे रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट सर, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 1701। तो मैंने सीधी सी बात बताई थी कि भाई सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास जो टोटल है, तो जो इनका डिफरेंस आता नहीं, नीचे वाली टर्म आती है ऊपर वाली ने छोड़ दो। तो अगर आप सीधा ऐड करके देखना चाहो तो देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आगा 12 2 24 12 3 48 4800, और कंपाउंड इंटरेस्ट आगा इसका टोटल का समय, इसमें तो माइनस करोगे 4800, तो सिंपल सी बात है यार नीचे वाली टर्म ही बचेगी अगर आपने करके देखना हो तो। तो मैं सीधा कर देता हूँ, जो इनका डिफरेंस है वो आएगा हमारे पास ये वाली चीज़ नीचे वाली, तो 18 ने कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई, 3 8 24, 3 1 3 और 2 5, तो मतलब 5400, तो ये आ गया 5400 जमा में 27, तो 5427 हमारे पास यूनिट बनेगी इनका, सॉरी ये भाई बनाया यहाँ पे 540, 540 जमा में 27 करना हमने, मैं 2 0 लगा दी, 18 3 54, 1 1 0 आओ क्योंकि 180 के पीछे 1 0 है, इसमें हमने करना है 27 ऐड, तो 7 4 2 6 567 यूनिट। तो सी आई माइनस में एस आई का जो डिफरेंस आया हुआ है 567 यूनिट, लेकिन यहाँ पर देगा 1701 रुपये के बराबर है या, तो 567 यूनिट बराबर 1700, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगी 1701/567। इसने काटो चाहे काट लो, ना काटने कोई जरूरत भी ना, तो मूलधन हमने निकालना सिंपली, जो है चीज़ आई ना इसने गुणा कर दो मूलधन था जो कि हमारे पास 8000 के बराबर। ये भी इसने आप काटेंगे 8000 ने, तो ये तो सीधा का सीधा जाएगा 3/7 21, ये 1701/567/3/ जाएगा 8 8 24, तो 24000 हमारे पास इसका प्रिंसिपल या फिर मूलधन निकल के आ जाए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करने, तो ये सबसे बेसिक और आसान तरीका, इसका आसान तरीका भाई तीन नहीं बनया है। उसी तरीके से भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पे 11वां है, 11वें में कुछ नहीं करना अपन है, सिंपल पता है कि रेट दे रखे 12 से 1/2%, तो 12 से 1/2 के लिए 12 2 24 रहे 25/2%, 25/2% मार्कर ले लेते हैं,
25/2% परसेंट की जहाँ लगा दें, 100 25 125 25 100, तो 1/8 होगा हमारे पास यहाँ पे इसका रेशियो निकल गया, मतलब 8 होता हमारे पास प्रिंसिपल और 1 लग रहा है हमारे पास इंटरेस्ट इसके हर साल। तो 8 का कर देते हैं हम क्यूब, या फिर 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है 3 वर्ष का, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रिंसिपल आया हमारे पास यहाँ पर 512 निकल गए, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। पहले साल का होगा 64 फिर 64 फिर 64, क्योंकि हमने 512 क्या निकालना, 1/8, ठीक है। उसके बाद इसका ब्याज लगेगा जो कि हो जाए 1/8, 1/8 जो कि 2 2 64 8 रुपये। उसके बाद इसका ब्याज लगेगा जो कि हो जाएगा 8, इसके बाद इसका दूसरे साल लगेगा 8, और फिर इसका 1/8 लगेगा यहाँ पर 1 रुपये के बराबर। तो ये हमारे पास सारे के सारे ब्याज निकल के आ गए जो भी हमने निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो देगा 12.50, जो कि हमारे पास ये वाली चीज़ है। तो 8 8 8 2 16 8 ये 24 1 25, तो 25 यूनिट बराबर आई है 12.50 के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 12.50/25, तो पॉइंट आना हटाओगे नहीं चला देंगे 100, तो 1250/25 × 100 इसने काट दो अपना 25 5 125 10 आ जाएगा, फिर 100 गई ये हो जाएगा 5 2 10, तो 1 यूनिट बराबर आई है 1/2 के बराबर। ही भी देखो हमने मूलधन निकालना, मूलधन कितना था 512 × में कर दो 1/2, तो सिंपल सी बात है 2 2 4 2 5 10 2 6 12, तो 256 रुपया हमारे पास आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। उसके बाद क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12 अभी बिल्कुल सेम है, रेट दे रहा है 16 से 2/3, हमने पता है रेट जो निकल कर आएगा 1/6 के बराबर, टाइम है 3 वर्ष का, तो 6 ना हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216 के बराबर, सिंपल सी बात है। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज इसका 1/6 हो जाए 36, यो भी 36, यो भी 36, इसका 1/6 हो जाए 6 के बराबर, यो भी यहाँ पे 6 के बराबर, इसका आ जाओ 1 के बराबर, इसका पूरे का पूरा एक ब्याज लगा हो जाए 6, तो 6 12 6 3 6 3 18 1 19, तो 19 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना 5.70 के बराबर, 1 यूनिट बराबर आओगी 0.3 के। तो हमने बताना है कि भाई हमारे पास क्या है, पूछा गया मूलधन, तो मूलधन ने क्या करें 216 ने कर दें हम 0.3 तक मल्टीप्लाई, जो हो जाए 64.8 के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने, ये वाली चीज़ हम हमेशा याद रखना कि भाई हमने ये चीज़ सोल्व कैसे करनी। उसके बाद क्वेश्चन अगला देख लो, तो यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अगर ट्री मेथड आपा ना बिल्कुल बेसिक तरीके से आता तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, वो है 16 से 2/3% ना हम क्या लिख सकते हैं 1/6, तो रेट हो गया 1/6, टाइम है 3 वर्ष का, तो वो 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाए 216 के बराबर। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, पहले साल का आ जाए इसका 1/6 जो गया 36, दूसरे साल का भी 36, तीसरे का भी 36, एक क्या होगा ब्याज के ऊपर ये ब्याज लगेगा 1/6 तो हो जाए 6 के बराबर, इसी तरीके से इस पर ब्याज लगेगा वो 6 के बराबर, इस पर फिर ब्याज लगेगा 6, फिर इस पर 1/6 तो हो जाए 1 रुपये के बराबर। तो ये सारा का सारा हमारे पास ब्याज निकल के आ गया है ये वाला सारा। तो अगर मैं डिटरमाइन करूँ तो ये हो गया पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का, हो गया तीसरे साल का ब्याज। तो यहाँ पे कह रहेगा तीसरे वर्ष का सीआई, तो तीसरे वर्ष का सीआई कितना हमारे पास 36 जमा में 6 जमा में 6 जमा में 1, माइनस में दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष में तीसरे घटा दो, अगर मैं इस तीसरे में तो दूसरे ने घटाऊँगा, देखो 1 तो 36 कट जाए, 6 तो 6 कट जाए, डिफरेंस कितना हुआ 7, तो हमने कैलकुलेशन बिल्कुल अपनी नॉर्मल लेकर चलनी। तो हमारे पास जो तीसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया वो क्या आया 7 के बराबर। देखो इसने पूरे ने ऐड कर लो और इसने ऐड कर लो, इसमें तो माइनस करोगे तो इससे ही हो गया, इससे ही हो गया, तो डिफरेंस आया 7 के बराबर। तो 7 यूनिट बराबर है 420 के, तो 1 यूनिट बराबर है 7 6 42, तो 1 यूनिट बराबर आएगी 60 के। तो हमने मूलधन निकालना जो कि है 216 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 60 के, तो 216 बराबर हो जाएंगी गुणा में 60, तो इसने गुणा करने के बाद आएगा 12960 के बराबर इसका आंसर। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करने, अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो अगले क्वेश्चन में भाइयों क्या कह रहा है, बस इसमें ना रेट दे रहा है हर एक साल का अलग रेट है, तो मूलधन हमको पता नहीं है, टाइम दे रहा है 3 वर्ष का, इनका डिफरेंस दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का 5.40, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताना है, पहले वर्ष का जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो 11 से 1/2, 11 99 100 100/9, तो 100 तो 100 चले जाए 1/9 आ जाएगा पहले वर्ष का इसका सी आई, ठीक है। तो पहले वर्ष का मानना ये निकाल लिया, दूसरे वर्ष का 14 से 2/7, तो ये निकल का हुआ 1/7, और 10% लिख सकते हैं हम 1/10 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने क्या करना है प्रिंसिपल अगर निकाल, तो जितने भी डिनोमिनेटर ने इसके 9 7 और 10 इन तीनों ने मल्टीप्लाई कर दे, तो 7 63 63 10 तक रहेंगे, आ जाए हमारे पास प्रिंसिपल 630 के बराबर, ठीक है। 7 63 63 63 × 10 630 के बराबर आ गया हमारे पास इसका प्रिंसिपल। तो हमारे पास इसका लगेगा पहले साल का
दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो पैसे पहले साल का हमारे पास 1/9, दूसरे साल का 1/7, उसके बाद तीसरे साल का 1/10 के बराबर, तो इसका 1/9, ठीक है, तो 1/9 आओगा अपने पास यहाँ पे 70, 1/9 तो इसने अगर डिवाइड कर, तो 1/7 तक करेंगे यहाँ आ जाए 90, और 1/10 तक आ जाए सिंपल सी बात है 63 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद पहले साल का अगर दूसरे साल में जाओगे तो दूसरे साल का ब्याज लगा, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे पहले जो दूसरे साल का जो ब्याज है तीसरे साल के पे लगेगा ब्याज, तो इसका 1/10 लगेगा जो कि यह वाली चीज़ है, ठीक है, तो 9 का 1/10 हो जाए हमारे पास, 90 का 1/10 ₹9। उसके बाद 70 का तीसरे वर्ष पर ब्याज जो लगा वो भी 1/10 लगा हुआ, सिंपल सी बात हो जाए ₹7 के बराबर उसका। इसका एक बार दूसरे साल पर भी लगेगा तो दूसरे साल पर कितना लगेगा 1/7 के बराबर जो कि हो जाए ₹7 के बराबर। ई वी ओ 7 का क्या लगा तीसरे साल पर जो कि हो जाए 1/10 के बराबर जो आएगा यहाँ पर, तो आप भाई 1/7 करेंगे तो इसका सॉरी यहाँ पर 10 आओगा, 10 का एक बार इसने इरेजे कर दिया, बढ़िया डाल दिख जाएगा 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ, तो इसका 1/7 करेंगे तो यहाँ पर आवा 10, तो 10 का 1/10 करेंगे तो हमारे पास रुपया आवा 1, तो ये हमारे पास टोटल ब्याज निकल गया। तो इस तरीके से हमने ये ब्याज निकालने हैं, पहला ब्याज हो गया पहले साल का, यो दूसरा ये और फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 5.40। तो कंपाउंड यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो पहली लाइन है ना इसने जोड़ दो, 9 और 7 हो जाए 160 160 हमारे पास 63 हो जाए अपने पास, 3 6 6 12 1 223 के बराबर आ जाए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है। अरे सारे ने ऐड कर दो, इधर 263 तो आ गई पहली लाइन, बीच में 10 और 9 होगा ना, 10 और 9 और 7 और 1। अगर आपने सीधा डिफरेंस निकालना आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ईओ जो ये वाली चीज़ है ना इसने ऐड कर दो, तो 7 9 और 7 16 16 और 1 17 17 और 10 हो जाए अपने पास 27 यूनिट के बराबर, तो 27 यूनिट आ जाएगा इनका डिफरेंस। मैंने पहले ही बताई थी ये वाली चीज़ जोड़ दो नीचे वाली ऊपर वाली लाइन छोड़ के, तो इनका डिफरेंस ही होता है ये, क्योंकि हमारे पास इसका टोटल तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये वाली चीज माइनस कर देंगे तो हम वो माता सिंपल इंटरेस्ट इसमें से निकल जाता है। तो 27 यूनिट जो कि इनका डिफरेंस है जो कि है सी आई माइनस में एस आई जो कि दे गया 5.40 के बराबर। अरे हमने बताया कि इसका जो डबल होता है वो 54 के बराबर होता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 5.40 पॉइंट हटाओगे नीचा होगा 100 और 27, तो 27 × 54 = 20 आ गया, 1 0 3 2 2 5 10, तो 1/5 आ गई 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर आई है 1/5 की। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और पहली चीज़ है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी निकालना है कंपाउंड, तो पहला प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो 630 ने क्या करते हैं 1/5 डिवाइड कर दे, तो 5 × 5 = 1 को तो 13, तो 5 × 10 3 × 5 = 30, तो ₹126 तो आया हमारे पास मूलधन। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कुछ नहीं करना, 27 आया था ना इनका टोटल, और इसका टोटल था 223, तो 223 में 27 और जोड़ो 7 और 3 10 2 2 4 1 5, तो 250 यूनिट आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 250 ने क्या करो वो 1/5 था, क्योंकि हमारे पास ये यूनिट आ रही हैं, तो 1/5 25 25 25, तो ₹50 आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल निकल गया 126 रुपये के बराबर। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पे 16 से 2/3 दे रखे हैं, मतलब क्या हो गया 16 से 2/3 का 1/6 मतलब रेट, टाइम है 2 वर्ष की तरजीह मतलब 3 वर्ष का, तो 6 का क्यूब कर देंगे जो प्रिंसिपल आएगा 216 के बराबर, सिंपल सी बात है। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, वही हमने 36 36 36, फिर इसका आ जाए हमारे पास यहाँ पर 6, इसका भी यहाँ पर 6, फिर इसका 1, फिर ये इसका पूरे का लगेगा 1 6, तो इस तरीके से हमारे ब्याज निकल कर आ गया है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ष और 73 दिन, तो 2 वर्ष का तो पूरा ब्याज हमने ले लिया, पहले वर्ष का यो, दूसरे वर्ष का यो, तीसरे वर्ष का हमने लेना है सिर्फ और सिर्फ 73 दिन का। तो तीसरे वर्ष का हमारे पास ब्याज कितना बनेगा 6 और 1 7 6 6 12 और 1 13 और 36 और 13 कितना हो जाए हमारे पास 6 3 9 3 49, ठीक है, तो 49 है हमारे पास 365 दिन का, एक दिन का आ जाएगा 49 बटे में 365 आ गया हमारे पास एक दिन का, तो 73 दिन का कितना आ जाएगा गुणा में 73 कर देना हमें, सिंपल सी बात है। इसने काटेंगे तो हमारे पास आएगा 9.8, तो हमारे पास जो तीसरे साल का जो ब्याज लगा वो लगा सिर्फ और सिर्फ 9.8, समझ गए। तो हमारे पास टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्ष का, तो पहले वर्ष का 36, दूसरे वर्ष का 36, 36 जमा में 6, तीसरे वर्ष का 9.8, तो 36 और 36 अपने पास हो जाएगा 6 6 12 72 हो गया, 72 जमा में 6, 72 और 6 हो जाएगा 78, 78 जमा में
9.8, तो 0.8 तो निकालू, 9 और 8 हो जाए 7, 1, और 87.8 आएगा हमारे पास इसका टोटल ब्याज। ठीक है, ये हमारे पास जो रिलेशन निकालनी है कि भाई हमारे पास मूलधन दे रखा है 10,800 रुपये, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि 216 रुपये, 216 यूनिट के बराबर है, तो ये यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 10,800 रुपये के बराबर। तो इस नाम इस तरह डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट भी निकल कर आ जाएगी। तो 10,800 ना अगर मैं इस तरह 216 डिवाइड करता हूँ तो ये अपना 50 पर चला जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, ये भी 50 ने क्या करते हैं इस तो मल्टीप्लाई कर देती हैं, सिंपल सी बात, हमारे पास आंसर निकल कर आ गया जो कि हो जाए 4390 के बराबर, 4390 इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन अगला, चलो क्वेश्चन नंबर अपने पास भाई 16, मूलधन दे रखा 20,000 रुपये, रेट दे रखा 20%, टाइम दे दिया 1 वर्ष 6 महीने का, तो टाइम दे दिया 1 वर्ष 6 महीने का, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो अगर दर आधा अर्ध वार्षिक लगाई जाए, मतलब क्या अर्धवार्षिक, मतलब 6-6 महीने के हिसाब से हमने लगानी है दर। तो देखो दर भी इसने अर्धवार्षिक लगा दिया तो दर भी हमारे पास घट जाएगी, तो रेट जो 20% था इसका अर्ध हो जाए, मतलब आधा हो जाए जो कि है 10%। तो अब रेट हमारे पास 10% और अर्धवार्षिक लगाया जा रहा है, मतलब 6-6 महीने के हिसाब से, देखो एक साल में 2-6 महीने हो गए, 1-6 महीने ही हो गए हो, मतलब जो टोटल टाइम हमारे पास हुआ 3, यहाँ पर 3 वर्ष लगाओ या 3 छः माही लगाओ, तो इस तरीके से हमने लेकर चलना है। तो टाइम की जो वैल्यू है 3, रेट हो गया 10%, 10% को हम क्या लेते हैं 1/10 के बराबर, तो 10 है हमारे पास प्रिंसिपल, 1 हो जाए इंटरेस्ट। तो किस तरीके से कहेंगे 10 है प्रिंसिपल, 1 मतलब ऐड होने के बाद 11 हो जाए हमारे पास इसकी अमाउंट, तो इस तरीके से 3 वर्ष के लिए है यू, तो ये हो जाए हमारे पास 1000 के बराबर, अरे हो जाए 1331 के बराबर। तो ये आगे हमारा प्रिंसिपल आ रही हो गया हमारे पास अमाउंट, अमाउंट में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है, इसको माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस होगा 331, जो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर, सिंपल सी बात थी। यहाँ पर पूछा है क्या इसने चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन दे रखा 20,000, मूलधन हमारे पास यहाँ पर 1,000 यूनिट जो कि बराबर है 20,000 के बराबर, तो 3 जीरो थे यहाँ पर, 3 जीरो काट देता हूँ, तो 1 यूनिट बराबर आई है 20 के, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा 331 यूनिट है, गुणा में कर दो 20 तक जो कि आ जाए 6620 के, तो 2 होगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6620 आ जाए हमारे पास इसका आंसर। ट्री मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, बस आपने ये ध्यान रखना है कि रेट रहेगा 10, मतलब 1/10, और टाइम रहेगा 3 ईयर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं ट्री वाले मेथड तक करूँ तो टाइम 10 ने 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 हो जाए इसका प्रिंसिपल, वो 1 साल का दूसरे साल का, तो इसे इस मेथड से निकल सकता है, इसलिए हमने ये आला मेथड यूज़ करें। बस इसमें ना अगर किसी में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का माइनस ना दे रखो, मतलब डिफरेंस नहीं निकालना हो, तो ये वाला मेथड हम निकाल सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये के बराबर, रेट दे रखा है 20%, टाइम दे रखा है 1 वर्ष के बराबर, सी आई और एस आई का हमने डिफरेंस पता करना है। ठीक है, त्रैमासिक अगर इसकी दर हो, मतलब रेट दे रखा है त्रैमासिक, मतलब क्वार्टर, त्रैमासिक होता है क्वार्टर, मतलब इसका 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो देखो मूलधन है हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया 8,000 के बराबर, सिंपल सी बात है, रेट दे रखा है 20% के बराबर, ये भी यहाँ पर देखो रेट जो है इसका त्रैमासिक, मतलब 1/4 हो जाए, 20% था तो इसका 1/4, मतलब 4×5=20, तो रेट जो निकल का होगा हमारे पास 5% परसेंटेज का हम लगाएंगे 100, तो जो कि हो जाए 1/20 के बराबर। ठीक है, 1/20 प्रिंसिपल का लगेगा, इब हमने 4 वर्ष का बनाना, वो जो ट्री मेथड हमने पीछे कराया था, और टाइम 4 क्यों है, 4 मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर 1 वर्ष को, जैसे हमारे पास 1 वर्ष में 12 महीने, मतलब त्रैमासिक लग रहा है, तो 3-3 महीने के बेस पर लगेगा यहाँ पर ब्याज, मतलब एक बार 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, तो इस हिसाब से इसके 1 महीने के 4 हिस्से बन जाएंगे, 1 साल के 4 हिस्से बन जाए, तो यहाँ से टाइम निकल का आएगा 4 के बराबर, रेट निकल का आएगा 1/20, तो इस तरीके से 1, 2, 1, 2, 3, 4 साल का हमारे पास ब्याज निकल का होगा। ठीक है, तो मैं इसका जो ट्री बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा एक बार यहाँ से, तो ट्री देखो भाई इस टाइप में कुछ ट्री बनेगा, 5% यहाँ पे ब्याज लगा, 5% लिख लो या फिर 1/20 लिख लो, के बाद तो प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 के बराबर। ठीक है, तो मैंने क्यों ड्रॉ कर दिया ताकि आप इसमें कन्फ्यूज ना हो, तो देखो पहले जो हमारे पास ब्याज निकलेगा 8,000 का पहले साल का 5% निकालेंगे या फिर 1/20 निकालेंगे, तो 400 दूसरे साल का भी, 400 तीसरे साल का भी, 400 चौथे साल का भी 400 के बराबर आओगा, तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट, जो पहली लाइन होती है मन के पास होती है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो ज़्यादा मैं ड्रॉ नहीं करूँगा इसमें, सिंपल जो हमारे काम की बात है वो बताऊँगा इसमें सिंपल, सिर्फ और सिर्फ ये भी यहाँ पर देखो जो 400 का था इसका 5% लगा, ये 20 बन गया, इसका ये लगा 5%, ये 20 बन गया, इसका भी 5% लगा, ये भी 20 बन गया, उसके बाद 20 का फिर
5% लगा यो बन गया एक, फिर एक का फिर 5% लगा, या फिर 1/20 यो बन गया 0.05 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से 20 का फेयर हमारे पास लग गया 5%, या फिर 1/20 जो कि हो जाएगा 1 के बराबर, जो 1 आड़ा ही हो इसका हो गया हमारे पास। फिर इसका 20 पे 1/20 लगा तो फिर इसका भी ब्याज निकल का आया 1 रुपये के बराबर। ठीक है, तो ये 2 1 के यहाँ पे बन गए। उसके बाद जो ये वाली क्वांटिटी बची इस पे फेयर हमारे पास ब्याज लगेगा चौथे साल पर, तो यो भी हमारे पास बने का आ जाएगा 1 के बराबर, तो इसका चौथे साल में ब्याज बनेगा 1। ठीक है, ये जो 2 20 के रह गए ये क्या है, जो एक तो यो वाला जो 400 था इस पे चौथे साल में ब्याज लगा है, तो ये 1 20 की क्वांटिटी इसकी होगी, अरे जो पहले साल में ब्याज था तो इस पर लगेगा, तो ये वाली जो 20 की क्वांटिटी होगी इसकी। तो जो ये वाली जो चीज़ निकल का ये हमारे पास CI और इनके SI का डिफरेंस निकल का आ गया, तो इसको टोटल कर लेंगे हम। देखो 20 40 60 80 100 120, 120 हो गया, 121, 122, 123, 124 और 124.05 5 के बराबर। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका CI और SI का जो डिफरेंस निकल का है वो है 124.05 रुपये के बराबर। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 18, 18वें क्वेश्चन को होने के दो तरीके, एक तो बेसिक मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो पहले मैं बेसिक मेथड करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सारे के सारे जो ये थे शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करें, 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, मतलब 225 तो दे रखा हमारे को प्रिंसिपल और 256 हो जाता है, मतलब यह है कंपाउंड अमाउंट। इसमें प्रिंसिपल भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दोनों के दोनों इंक्लूड हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, सिंपल सी बात है, कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो होता है प्रिंस इज इक्वल टू, मैं कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 इनटू में टाइम। तो रेट होता है, ये R होता है रेट और T होता है हमारे पास टाइम। तो कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू 256, सॉरी कंपाउंड अमाउंट की 256, प्रिंसिपल की वैल्यू 225, 1/ में रेट का हमें पता नहीं है, टाइम का पता है 2 साल का, 225 इसके नीचे जाएगा, ये यहाँ पर स्क्वेयर है। तो 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वेयर, 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वेयर, यहाँ भी साइड में भी स्क्वेयर है 1 प्लस में R/100 का होल स्क्वेयर, तो यह पावर इनसे कट जाएगी। तो 16/15 इज इक्वल टू 1 प्लस में R/100, तो ये 1 वहाँ जाएगा माइनस करेगा, तो 16/15 में 1 गए तो बचेगा 1/15 इज इक्वल टू में R/100, तो ये 100 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो रेट आ जाएगा हमारे पास रेट इज इक्वल टू 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/15 गुणा में 100 जो कि अपने पास बढ़ेगा 20/3% के बराबर। तो ये हमारे पास रेट निकल का आएगा, जो कि हम 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 3 18 2 20 सही 3%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18वां था। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, जैसे कि हम ये कोचिंग सेंटर वाले कराते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं, ये किस तरीके से कराते हैं। सिंपल सी लेंगे, 225 है प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट है 256, अगर 2 साल का है तो 2 साल में क्या करते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, 225 का अंडर रूट हो गया 15, 256 का अंडर रूट हो गया 16, तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, ये हो गया हमारे पास कंपाउंड अमाउंट, जो हमने पता होगा, जैसे हमने पहले करते थे कि भाई जो रेट होता था हमारे पास, जैसे 15 है ये हमारे पास 16 है, 15 है 16, 2 बार मल्टीप्लाई करते 225 आ जाता था, ये 256 आ जाता था स्टार्टिंग में जो कराया था, इसका फिर अंडर रूट इसलिए कराया है ताकि हम रेट का पता कर सकें। तो 15 और 16 ई वी हमारे पास कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल जमा में CI, तो इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो प्रिंसिपल हट गया, तो ये CI बच जाएगा जो कि है 16 में 15 गए 1 के बराबर। तो CI/ मैं प्रिंसिपल और गुणा में मैं कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास निकल के आता है रेट परसेंटेज के बराबर, जो कि हमारे पास वो 20/3% निकल के आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है एज इट इज़ क्वेश्चन 19 भी, 1,02,400 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 हो जाता है। देखो 1,02,400 रुपये का धन कितना हो जाता है, 1,45,800 का हो जाता है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। सिंपल सी बात, एक बार जो कट रहे ना उसने एक बार काट लो, ठीक है, इसने और काट जाए हम 2, तो सारा कट पिट के 225 बनाएगा भाई, और यू बन जाओ 256। फिर इसका क्या करें हम, 3 वर्ष है तो इसका क्यूब रूट करेंगे, समझ गए, क्यूब रूट, तो यह वाली चीज़ आएगी हमारे पास प्रिंसिपल, जो कि 225 का अगर क्यूब रूट करो तो वह 15 के बराबर ही आ जाए 16 का, इसका 256 का क्यूब रूट 16, तो वह यह आ गई कंपाउंड अमाउंट ही आएगा, प्रिंसिपल रेट आया हमारे पास 1, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1, रेट कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल जो कि 15 गुणा में कर देंगे हम 100, तो 1/15 गुणा 100, 6 सही 2/3
परसेंटेज के बराबर। तो ये था 1900 क्वेश्चन। तो देखो भैया मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आपका शॉर्टकट देखो या कुछ देखो, आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊँगा और वो आपने फॉलो करना, बिल्कुल बेसिक मेथड, उस तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम सिंपल हो जाए। बस आपने पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास कंपाउंड जो अमाउंट होगी किसके बराबर होती है, प्रिंसिपल 1 + r/100 × टाइम। तो ये फॉर्मूला जो कि हमने 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये हमने देखना है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में, तो देखो 3 वर्ष में मतलब टाइम तो दे दिया हमारे को 3 साल का, अपने आप का 8 गुना हो जाता है, मतलब जो कंपाउंड अमाउंट है वो क्या हो जाती है, 8 गुना हो जाती है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हमारे पास सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल है, कंपाउंड अमाउंट क्या हो रही है 3 साल में इसका 8 गुना हो जाती है, मतलब 8p हो रही है। तो सिंपल सी वैल्यू है, ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो यह कंपाउंड अमाउंट 8p, प्रिंसिपल हमारे पास पी के बराबर है 1 + r/100, और टाइम हमने पता है कितने साल का है, 3 साल का। तो पी तो पी मैं काट सकता हूँ क्योंकि पी इसके डिवाइड में जाओ, तो पी तो पी हमने काट दिया। तो 2 का अगर मैं क्यूब करूँ तो वो भी 8 के बराबर होता है, 1 + r/100। ये दोनों साइड पावर 3 है, तो पावर 3 मैंने काट दिया, तो 2 = 1/r/100। तो 1 वहाँ जाकर माइनस करा तो एक खाली 1 रह जाएगा, तो r/100 = 1। तो r की वैल्यू क्या आएगी, जो 100 वहाँ जाकर अगर मल्टीप्लाई, तो r जो रेट है वो हमारे पास कितना आ गया, 100% के बराबर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आसान तरीका नहीं है भाई, बिल्कुल समझ गए, ये जो आदमी समझ गए चलो, ये कुछ भी ना है, सीधा आप इसने यहाँ आते हैं यहाँ सीधा सोल्व कर सकते हो, 8p = p 1 + r/100 सॉरी 3, क्योंकि टाइम था 3, पी तक पी गया इसने लिख सकते हो कि पावर 3, 3 तक 3 गया, 2 में तो गया 1, आर ये 100 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर, तो रेट हमारे पास 100% आ गया। लेकिन भाई देखो मेन बात क्या है भाई, अगर आपका शॉर्ट जो तरीका है अगर आपका फॉर्मूले के साथ चलता है ना, बेसिक मेथड के साथ चलता है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बेसिक मेथड को ही फॉलो करो, ना कि शॉर्टकट को, तो क्योंकि शॉर्टकट आपका लिमिटेड टाइम के लिए याद रहेगा, बेसिक मेथड आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में और क्या कह रहा है, 2304 का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, दर ज्ञात करो। अगर देखो फॉर्मूले तक करना है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप लोग इसको, 2300 रुपये का धन मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, या होगी कंपाउंड अमाउंट, टाइम हो गया 2 वर्ष का, ठीक है। अगर शॉर्टकट वो है अपन पता है 2304 है, अरे ये हमारे पास 2500, पहले देखो कट रहा है, कट काट लेते हैं हम इसको, 2 × 2 = 2, 2 × 2 ये अपना 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ये 1250, फिर 2 × 2 = 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 बच गया 2 ना, पहले तो पूरा कट रहा भाई, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, तो 625 और 576 आ गया। टाइम 2 वर्ष का है तो इसका अंडर रूट कर देंगे हम दोनों साइड, तो 576 का जो अंडर रूट होता है तो वो होता है अपने पास 24 के बराबर, और 625 का अंडर रूट होता है 25 के बराबर। तो ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल, ये हो गया हमारे पास कंपाउंड अमाउंट, जिसमें क्या है प्रिंसिपल जमा में CI, इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटरेस्ट जो गया कंपाउंड इंटरेस्ट जो गया 1 के बराबर, रेट निकालना 1/ प्रिंसिपल जो गया 24 और गुणा में कर दो 100, ठीक है। 1/24 × 100, तो जो काटने के बाद आएगा 4 × 1/6%, 6 × 24 = 25/6%, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 22वां, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार दे रखा है, लेकिन हमने इसमें बिछड़ना नहीं। किसी धन किसी दर प्रतिशत पर 32 रुपये का धन 5044 मतलब 5044 चक्रवर्ती ब्याज देता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज 5044 का, 32,000 रुपये यहाँ पर प्रिंसिपल इसके बराबर, ठीक है। देगा 9 महीने में, अगर दर त्रैमासिक हो, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, एक साल में क्वार्टरली के कितने कितने महीने बनते हैं, 3 महीने के पेयर बनते हैं 4, लेकिन यहाँ पर जो टाइम देगा 9 महीने में, 9 महीने कैसे बनेंगे, देखो 3 महीने 3 महीने 6 महीने फिर 3 और 1 महीने, तो इसे हम काट दें 3 महीने 3 और 3 6 और 3 9, मतलब जो टाइम जो निकल का हो कितना यहाँ पे 3 के बराबर। तो टाइम हो गया हमारे पास यहाँ पे 3, प्रिंसिपल है 32,000, लेकिन हमें कंपाउंड अमाउंट का नहीं पता, कंपाउंड अमाउंट हमने पता है प्रिंसिपल जमा में CI, तो CI दे रखे है 5044, प्रिंसिपल हमने पता है, तो क्या करेंगे 32,000 जमा में CI जो कि है 5044 के बराबर, तो इसने अगर ऐड कर देते हैं हम तो अपने पास आएगा 37,044 के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास CA कंपाउंड अमाउंट, और प्रिंसिपल हमारे पास 32,000, और टाइम हमारे पास 3 का, तो हम जो कट रहा है उसको काट लेते हैं एक बार, काटने के बाद अपने पास इसको दोनों को काटेंगे तो बनेगा 8,000, और यो कटने के बाद बन जाए 9,261। तो ये देखो टाइम है 3 का वर्ष का, 3 वर्ष लगा लो क्वार्टरली लगा लो इसमें, तो इसका क्यूब रूट कर देंगे हम दोनों साइड,
ठीक है, इसका क्यूब रूट कर दिया, इसका क्यूब रूट कर दिया, तो 20 का क्यूब होता है 8000 के बराबर, और 21 का क्यूब होता है 9221 के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, और ये आ गया हमारे पास कंपाउंड अमाउंट। इसका जो डिफरेंस होगा वो आएगा इंटरेस्ट, जो कि है 1 21 में तो 20 का एक, एक बटे में प्रिंसिपल जो है वो है 20, और गुणा में कर देंगे 100, रेट निकालेंगे तो 20 50 100, तो रेट निकल कर आया है 5% के बराबर। ठीक है, तो ये होता है इसका सिंपल सा आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 23। ये भी क्वेश्चन देखो भाई, यो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी बिल्कुल हम बेसिक मेथड लगाएंगे, कोई ज़्यादा ना घुमा फिर आप या फिर शॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, मतलब 3p हो जाता है, पहले था वो p1 प्लस में r/100, टाइम कितना ले रहा है 3 वर्ष का, तो 3 हमने यहाँ पर लगा लिया, सिंपल सी बात कर ली हमने यहाँ पर, तो 1/r/100 जो पावर कितनी आई। इसमें भाई यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो रही, इनसे यहाँ पर ले रखा है जो क्वेश्चन है 8 वर्ष दे रखे हैं यहाँ पे, इंग्लिश वाली जो बुक है ना उसमें दे रखा है कि भाई अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता, तो हमने टाइम सिंपल सी बात हम यहाँ पर 8 कर देंगे, तो 1/r/100 की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से ही पावर कितनी यहाँ पर 8 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी 1/8 के बराबर। तो एक चीज़ हमसे निकल आएगी। दूसरी चीज़ कह रहा है कि किस समय में यह है अपने से 243 गुना, मतलब 243 हमने बना, 243 पी प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल हमारे पास पी है 1/r/100, तो दर 243 गुना किस समय में हो जाएगा, तो हमने टाइम मान लिया टी टाइम में अगर ये हो जाता है। तो ये देखो 1/r/100 की वैल्यू हमने पुट करनी है इसमें, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं करना, पी तो पी काट दो, तो 243 इज इक्वल टू 1/r/100 की वैल्यू है 3 की पावर 1/8, और इसके पावर है 12 टी, तो 3 की पावर हो जाएगी t/8, और यहाँ पर हो जाएगा 243। ठीक है, तो 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं, 3 बेस हमने सेम रखना, तो 243 को हम अगर 3 की पावर 5 रख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बेस सेम है, तो बेस से बेस काट देंगे, तो t/8 हो जाएगा 5 के बराबर, तो 8 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 40, तो टाइम हो जाएगा 40 साल का, सिंपल सी बात है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग दिया, अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो गया, कंपाउंड अमाउंट हमने फॉर्मूला बताना, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 मल्टीप्लाई पावर टाइम। तो ये फॉर्मूला पता, कंपाउंड अमाउंट दे रखिए हमारा कि भाई हमारे पास 3 गुना हो गया, मतलब 3p हो गया, प्रिंसिपल हमने मान लिया p1 प्लस r/100, टाइम है 8 साल का, तो ये पी तो पी गया, 8 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड कर दो, 3 की पावर 1/8 हो जाएगी, किसकी वैल्यू 1/r/100 की वैल्यू। उसके बाद कह रहेगा कि कितने समय में वह अपने 243 गुना हो जाता, तो 243 पी ले लिया हमने, पी प्रिंसिपल है 1/r/100, तो टाइम हमने ले लिया टी, क्योंकि हमने उसका पूछ रहा है भाई कितने समय में होगा। ई भी है 1/r/100 की वैल्यू हमने पता है कि 3 की पावर 1/8 है, तो हमने पुट कर दी, टी नुकान्यू रह गया, 243 नुकान्यू, पी तो हमने पी काट दिया, ये 243 नुकान्यू है, देखो बेस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 243, तो हमने यहाँ 243 का बेस बनाना पड़ेगा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 को खोलोगे तो 243 बनेगा। ये देखो ये टी बार था, मल्टीप्लाई हो जाएगा टी बाय में 8 हो जाएगा, ये बेस तो बेस काट दो, टी बाय में 8 हो जाएगा 5 के बराबर, तो हो जाए टी इज इक्वल टू में जो 8 यहाँ पर डिवाइड करें वहाँ जा क्या करेगा मल्टीप्लाई करें, तो 50 40 के बराबर, तो 40 साल में वो अपने से 243 गुना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अपने पास, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 64 गुना होगा। समझ रहे हो बात ना, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो मतलब 2p बन गया वो, पी से 1/r/100 कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, वो अपने से क्या बन गया, 2p बन गया, डबल बन गया है, जो वो पहले कितना था पी था, इससे डबल हो गया है, सिंपल सी बात, ये हमने प्रूव करनी थी। तो पी तो पी गया 2 की पावर 1/3, जो कि आ गया 1/r/100। ये बगली जो चीज़ें रखी होगी इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी, आंसर सोल्व, कितने समय में 64 गुना होगा, मतलब 64p बनाना है, किससे, पी से 1/r/100, और टी हमने मान लिया भाई कितना समय लगेगा, तो टी मान लिया, या वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई तो टी बाय में 3 हो जाएगा, पी तो पी काट दो 64, तो अगर मैं 2 की पावर क्या रखूँ कि हमारे पास जो बेस है 2 बने, तो 2 की पावर अगर मैं 6 रखता हूँ तो 64 के बराबर आएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर टी बाय में 3, 2 तो 2 काट दो, 3 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करा, तो 6 3 18, तो टाइम लगेगा 18 वर्ष का, सिंपल सी बात थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 25वां, देखो क्या कह रहा है, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 होता है, वह 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात करो। ये भाई इसने आप बेसिक शॉर्ट ट्रिक तो देख लेना, शॉर्ट ट्रिक भी जो है ना इसके बेसिक फॉर्मूले से बनी हुई है,
तो हमने सिंपल सी बात है, मैंने शॉर्ट ट्री काले फॉर्मूले बताया कि भाई हमने जो फॉर्मूला पता होना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल वन प्लस में आर बाय में सो मल्टीप्लाई बाय टाइम का हमने पता होना चाहिए। अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 होता है, ठीक है, मतलब कितना हो गया 4500, मतलब कंपाउंड अमाउंट ले रखिए 4500, धन कोई धन मतलब हमें पता नहीं है प्रिंसिपल का पता है 1 प्लस में आर बाय में 100 और कोई धन 5 वर्ष मतलब टाइम दे दिया यहाँ पर 5 वर्ष का, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पहली इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद अगली चीज़, 10 वर्ष में 6750 हो जाता है, मतलब 6750 हो गया, प्रिंसिपल का हमें पता नहीं है, दोबारा से आर बाय में 100 कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। तो यह दूसरी इक्वेशन है, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दे सीधा ठाक। तो देखो यहाँ पी तो पी कट जा रही है, जो पावर है यहाँ पर माइनस हो जाएगी हमारे पास। तो अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ पहली इक्वेशन से, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करूँ, तो पर आगा 6250 नीचे से आ जाएगा 4500 इज इक्वल टू पी तो पी गया। या देखो पावर यहाँ पर 10 है, इसकी 5 है, तो खाली पावर रह जाएगी 5, ठीक है, यहाँ पर पावर रहेगी सिंपल सी बात है हमारे पास 5 के बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास पावर रहेगी 5। अरे ये हो गया, रुक जाओ भाई। तो यह वाली जो चीज़ है ना, देखो 1 प्लस मार की पार 5, तो यह देखो यहाँ पे 1 प्लस मार की पार 5, तो यह वैल्यू है ना हमने इसमें पुट कर देनी है। पहले इसको काट लेते हैं, 5 पे काट लेते हैं, 5 एकम 5, ये ऊपर जो अपने पास 12 5 2 10 25 25, फिर 5 45 90 आ गए यहाँ पर। उसके बाद 5 2 10 2 5 5 25 यार यहाँ पर 5 एकम 5 अपना बजे 5 55 40 यार भाई, मैं 625 लेकर चला, तो यहाँ पर 675 है। कट पीटने के बाद मतलब यहाँ पर जो आएगा कट पीटने के बाद आएगा 3 बाय में 2 के बराबर, ऊपर आएगा 3 नीचा आएगा 2, ठीक है। तो ये 1 बाय में r/100 वहाँ पर 675 लेना आपने, ठीक है, ये ध्यान रख लेना एक बार। यहाँ पर आएगा 3 बाय में 2 के बराबर, तो ये जो यह वाली वैल्यू है ना हमने क्या इसमें पुट कर देनी है, तो आएगा 3 बाय में 2, तो मतलब बाहर तो प्रिंसिपल है, अंदर आ गया 3 बाय 2 और बराबर है 4500 के बराबर। तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आ जाए 4500 × 2/3, तो 3 तक 3 एकम 3 3 5 15 1500 × 2, तो आएगा प्रिंसिपल 3000 के बराबर। तो इस तरीके जो भाई सिंपल तरीका है, इसी से बेसिक जो शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकल के आ गया हमारे पास 3000 के बराबर। यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जो के पास भी राकेश यादव होगा क्लास नोट्स का मैथ होगा उसने देखी होगी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से बताई गई, इसी तरीके से है बिल्कुल। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या कर रखा है, इसमें जो मनी था जैसे प्रिंसिपल लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद 4500 और 10 वर्ष में हो गया वो 6750 के बराबर। तो पहले 5 साल में ही होगा, उसके बाद अगले 5 साल में ही होगा, मतलब 10 साल में तो होगा 6750 और पहले 5 साल में 4500 के बराबर। उसमें क्या करें, 6750 को 4500 से डिवाइड कर दिया, जो किया है हमारे पास 3 बाय में 2 के बराबर। ये 3 बाय 2 को क्या करा, 3 बाय प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके बराबर रख दिया 4500 के बराबर। तो जो हमने चीज़ करी थी वही इसने करी है, प्रिंसिपल को 3 बाय 2 तो मल्टीप्लाई करके 4500 से, तो जो किया है अपने पास 3000 के बराबर। तो इस तरीके से इसने कर रखा है, लेकिन यो तरीका आपने रट्टा मारना पड़ेगा और वो तरीका आपने समझ गए। यो तरीका आप अपने आप भी कर लो अगर आपने वो तरीका बेसिक आला अगर आपने समझ मारा है, तो अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा बैक करके देख लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26वां। देखो 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है वह 4 वर्ष में 676 हो जाता है, तो धन हमने ज्ञात करना कितना। तो 2 वर्ष में मतलब कितना हो रहा है, 650 हो जाता है, मतलब कंपाउंड अमाउंट हमारे पास 650, प्रिंसिपल का हमें पता नहीं, 1 प्लस में r/100 और टाइम है 2 वर्ष का, सिंपल सी बात है, ठीक है। यह हो जाएगी पहली इक्वेशन। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारे पास 4 वर्ष में हो जाता है 676, तो प्रिंसिपल का हमें पता नहीं, 1 प्लस r/100 का पता नहीं, 4 वर्ष का पता भाई, ये दूसरे ने पहले तो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास देखो 676 ऊपर आ जाएगा और नीचा होगा 650 इज इक्वल टू, मैं पी तो पी कट जा, पावर कट जी 4 तो 5 तो 2 बाई 2, तो 1 बाय r/100 की पावर 2 बराबर आ गया 676/650। तो इसको काट देते हैं, दो पे काट के देख लेते हैं, पहले 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, उसके बाद 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अपने पास बचाया 2 तो 2 5 जा 10, तो 338/325, तो टोटल काट पीट का आएगा अपने पास जो 26 बाय में 25 के बराबर, ठीक है, 26 बटे में 25। तो 1 बाय r/100 की वैल्यू स्क्वेयर है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो आएगा पी गुणा में 26 बटे में 25, पहली इक्वेशन में पुट करिए हमने, इज इक्वल टू में 650, तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकल गया अपने पास 625 रुपये के बराबर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसी तरीके से अपने पास क्वेश्चन नंबर 27 है,
तो बेसिक मेथड मैंने बता दिया, शॉर्ट ट्रिक से भी आप सीधा इसको कर सकते हो, वो मैंने भी मैंने बता दिया। तो 99450 क्या करना है, 66,300 से डिवाइड करना, काटने के बाद आया 33/15/2210। ठीक है, इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर दर्ज देंगे आप 66,300 के बराबर। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, जो 44,200 के बराबर आवा। तो कट्टा पिट्टी अपने आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां अपने पास, 28वें क्वेश्चन में, अगर कोई धन 2 वर्ष में 800 हो जाता है, वह 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 28वां भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक मेथड से सोल्व करना, बिल्कुल आसान है भाई। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, मतलब 2 वर्ष में 8,000 हो रहा है, मतलब 8,000 इज इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट 8,000, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1+ में R/100, 2 वर्ष का टाइम है, तो हमारे पास टाइम की जगह मैं 2 वर्ष यहाँ पर रख दूंगा इसके पास। ठीक है, उसके बाद जो अगली इक्वेशन दे रखी है वो है कि भाई 27,000 हो जाता है 5 वर्ष में, तो P/1+ में R/100 की पावर आ जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पर पावर थी 2, तो ये क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन को इससे। तो अपने पास यहाँ पर बना दो पी, तो पी गया, और यहाँ पर 27,000/8,000, तो 3 0 3 0 सीधी काट देंगे, तो 5 में तो 2 गया 3, तो 1+ में R/100। तो देखो पावर सीधी डिवाइड नहीं होती, पावर हमेशा डिवाइड में माइनस होती है, तो 5 में 2 गया 3, तो इसकी पावर आ गई 3। तो देखो यहाँ पर 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3, और नीचे था 8, तो इसको 2, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो जो है पावर 3 है, तो इसको हम काट देंगे इस साइड से, तो 1+ में R/100 की जो वैल्यू आई है वह है 3/2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हम इसमें कोई सी इक्वेशन पुट कर देते, तो यहाँ पे हमने मूलधन ज्ञात करना जो कि है प्रिंसिपल के बराबर। तो यहाँ 1/R/100 की वैल्यू 3/2 में अगर मैं पुट करूँ, तो आएगा 1P/3/2 का होल स्क्वायर, देखो ऊपर पावर 2 है, तो ये ध्यान रखना अपन इज इक्वल टू 8,000 के बराबर। तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 डिवाइड हो जाएगा, तो इसे काटते हैं यहाँ पर। तो काटने के बाद 8,000 को 9/4, तो अपने पास आएगा 3,555.55 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 28वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपसे जो बुक में करा रखा है ना उससे भी छोटा तरीके से मैंने आपको करा दिया। उसके बाद है किसी धन पर CI व SI क्रमश है 400 व 410 रुपये मूलधन व दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष का हो तो। ई बी वाला देखो भाई तरीका, मैंने ये क्या करा था उसमें, देखो आपने कराया था जो कि ट्री मेथड था, उसमें क्या कराया करते हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा करते, यहाँ पर पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, जो ऊपर वाली चीज़ आ जाती है सिंपल इंटरेस्ट आ जाती है। ये देखो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 400 रुपये, सिंपल बात समझ कर चलना, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा पहले साल का भी सेम होता है, दूसरे साल का भी सेम होता है। इफ टाइम है 2 वर्ष का, तो 2 साल पर ब्याज लगेगा, तो इसका पहले साल का ब्याज ये है टोटल ब्याज। तो मैं मान के चलो अगर पहले साल का ब्याज 200 है, तो दूसरे साल का ब्याज 200 है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि भाई पहले साल का ब्याज 200 है, दूसरे साल का ब्याज 200, और ऊपर वाली चीज़ आपने पता हो कि ये वाली चीज़ क्या होती है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होती है। ठीक है, एक बार 2 मिनट रुकना, ये गलत होगा थोड़ा। हाँ, मतलब ऊपर वाली जो लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होती है। इसके बाद लेकिन ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 410 है, ये 410 कैसे आया, ये 10 कैसे आया, ये जो 200 था ना पहले साल का भाई ब्याज, इस पर भी तो ब्याज लगेगा जो कि है 10 10 रुपये लग का आया है। तो जो इसकी दर है वह हमने ज्ञात करनी है, दर गत कैसे ज्ञात करेंगे, 200 पर का जो ब्याज लगेगा 10 लगा है, तो 10/ में कर दो 200, और परसेंटेज निकालने हमने कर दिया 100, तो मल्टीप्लाई तो कट जाएगा, तो 20/5 100, तो जो रेट निकल का आएगा वो आएगा यहाँ पे 5% के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपने समझ में होगा। अरे यहाँ पर अगर पूछा ना कि भाई CI और SI में क्या डिफरेंस है, SI और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट में डिफरेंस क्या, वो भी हम बता सकते हैं जो कि है 10 रुपये। देखते ही पता लग जाना चाहिए कि भाई SI दे रखे हैं यहाँ पर हमको 400 रुपये के बराबर, मतलब पहले साल का ब्याज है 200, दूसरे साल का ब्याज है 200, 200 पे जो 10 रुपये एक्स्ट्रा बने हैं ये 10 रुपये यहाँ पर लग गया, तो दर कितनी बनी है हमारे पास 10/200 × 100 के बराबर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है 410 के बराबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, ये टोटल 200 200 400 और 1 10 रुपये 410 हो गया टोटल, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया ऊपर वाली अमाउंट ये 400 सिर्फ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5,000 रुपये के धन का 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 72 रुपये है। समझ रहे हो,
उसके बाद भाई क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में देखो रेट नहीं दे रखा, रेट नहीं दे रखा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आते हैं यहाँ पर। दो चीज़ आ गई, तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। वो फॉर्मूला क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो रेट नहीं डिफरेंस बटे में प्रिंसिपल जो होता है वो आर बाय में 100 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए, जब 2 साल का हमारे पास ब्याज पूछ रखा हो, ब्याज दे रखा हो। और जब रेट नहीं दे रखा, अगर रेट दे रखा होता तो हमने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंस बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू आर बाय 100 का होल स्क्वायर, तो हमें पता है कि डिफरेंस कितना। देखो यहाँ पर एस आई का अंतर है 72 रुपये, प्रिंसिपल हमें पता है 5000 रुपये, इज इक्वल टू में रेट का हमने पता नहीं है बटे में 100 और गुणा यो पावर है इसकी 2। तो इसने एक बार काट लेते हैं, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4 25 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर काट देते हैं, अन्य तो काटने की भी जरूरत ना, इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या करते हैं भाई हम अंडर रूट कर देते हैं। तो 36 का जो अंडर रूट होता होता है 6, और 25 25 होगा आ जाएगा 50 के बराबर, ठीक है। 50 का स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, विच इज़ इक्वल टू में आर बाय में 100, क्यों 100 में आ जाएगा क्या करा मल्टीप्लाई, तो रेट क्या आ जाएगा 6 गुणा में 100 बटे में 50, तो 50 2 50 6 2 12% आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर रेट, ठीक है। तो इस केस में रेट हमारे पास निकल कर आ रहा है 12% के बराबर। उसके बाद आता है अपने पास 3 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर दे रखा 1500, दर हमने बतानी है। देखो दर यहाँ पे देने रखी फिर दोबारा से, तो इस केस में हमारे पास ये दे रखा, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अपने पास ये वाला 3x + 1 बाय में x³ इज इक्वल टू में डिफरेंस बाय में प्रिंसिपल। तो यह 3 साल के लिए, इब एक्स पूछोगे एक्स क्या है, जो रेट परसेंटेज और एक्स की जो रिलेशन है वह है या 1/x × 100 के बराबर। भाई इसका देखो कोई भी बेसिक मेथड नहीं है, ये एक फॉर्मूला तैयार कर रखा है, तो ये आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रेट की हमने या वैल्यू, ये दो चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। 3 साल, 3 साल से फालतू का नहीं पूछती है ये। तो देखो 30720 रुपये के धन का 3 वर्ष का सी आई एस आई का अंतर है 1500, तो डिफरेंस दे रखा 1500 के बराबर, और 30720 दे रखे हमारे पास प्रिंसिपल। यहाँ पे है 3x + 1 और x³ के बराबर, तो 1 0 तो पहले 1 0 काट दो, इसे पूरा पूरा कटेगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 512 के बराबर। ये देखो x³ है 512 के बराबर, वही देखो x का रिलेशन इसके साथ आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ, अगर मैं 8 का क्यूब करूँ तो 512 के बराबर आता है। ये देखो x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारे पास 8 निकल के, ये नीचे तो सेटिस्फाई करेगी भाई, अगर 8 का क्यूब करूँ तो 512, ऊपर देखो 8 3 24 और 1 25, तो x की वैल्यू 8 सेटिस्फाई हो रही है। इब हमने आर परसेंट निकालना, मतलब रेट निकालना, तो एक्स की वैल्यू 8 रख दो तो ये हो जाएगा 1/8 गुणा में 100, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल गया था 100/8 जो कि हो जाएगा 12.12% के बराबर, ये हो जाए इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला अपने पास जो कि है क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये दिमाग ने भी घुमा देता है। तो आपने ट्री मेथड बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। इसमें देखा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के वह 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात है 3.64 और 1। अगर मैं देखो पॉइंट हटाऊँ तो ये बन जाएगा 364 और यहाँ पर बन जाएगा 100, सिंपल सी बात। अगर इसी पॉइंट को हटाऊँ तो ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और यो है 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो हम किस टाइप से करते थे, जैसे वो जो ट्री मेथड होता था अपने पास, पहले ऊपर रखते थे हम प्रिंसिपल, ये भी यहाँ पर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर देखा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100, तो हर साल का वही रहेगा, सिंपल सी बात है। पहले साल का 100 है तो दूसरे साल का भी 100 रहेगा और तीसरे साल का भी 100 रहेगा। उसके बाद हम क्या करते थे, एक यहाँ पर इस पर ब्याज लगा देते, वो अमाउंट हम मान लेते हैं ए, इब इस पर भी हम सीधा एक ब्याज लगाते थे जो कि इसका तीसरे साल में ब्याज लगा, फिर इसका एक यहाँ भी ब्याज लगता था वह भी सेम अमाउंट आती, फिर ए के ऊपर एक और ब्याज लगता था वह अलग अमाउंट आती थी, वह जाती थी हमारे पास डी के बराबर, ठीक है। 100 के ऊपर वही रेट लगाएगा, ए आओगी वैल्यू वह भी, या फिर एक्स मान लो इसमें कुछ भी लगा सकते हो। इस पर भी हमने वही रेट लगाना है तो वह भी हमने ए मान लिया, इस पर वही रेट लगा, लेकिन जो ए पर ब्याज लगेगा, ए पर जो रेट लगा वो बी बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहें इसमें, देखो 100 200 और 300 तो हो गया हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और यह है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 364,
ये देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है 64 का, और हमारे पास मैंने बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना ये इनका डिफरेंस के बराबर होती है, तो ये कितने आएगा ए ए और ए तीन ए हो गए जमा में भी, तो तीन ए जमा में भी बराबर है 64। ये जो है आप क्वेश्चन कर रहे हो ना भाई ये सी जी एल लेवल के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये भी यहाँ पर हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। अगर देखो ए की वैल्यू मैं 20 पुट करता हूँ तो ए की वैल्यू 20 बीस दिए 60, और बी की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर लूँ तो यहाँ पर आ गया ए की जगह आ जाएगा 20, यहाँ भी 20, रेड पेन तक कर देता हूँ इसमें, यहाँ भी आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हम रेट निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, 20 बटे में 100 गुणा में 100 कर दो ये आ गया 20%, या फिर 4 बटे में 20 गुणा में 100 कर दो तो वह भी एक ही बात आएगी, 4 बटे में 20 गुणा में 100 तो 20 पंजे 100 5 चौके 20। तो किसी तरीके से भी हम कर सकते हैं रेट निकालने के लिए। रेट मैंने बता दिया यह वाली जो चीज़ है इस पर रेट लग रहा है कुछ परसेंटेज, तो 20 बटे में 100 बटे में 100 गुणा में 100 या फिर 4 बटे में 20 गुणा में 100, तो बात एक है हमारे पास जो रेट है वो हमारे पास सेम रह रहा, तो रेट यहाँ से निकल के आ गया 20% के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 33वां, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ पिछले वाले की तरह। 3 वर्ष का CIUSI का अंतर 2 वर्ष के CIUSI के अंतर का अनुपात है 19:6, समझ रहे हो बात है। 3 वर्ष का SIU और CIU, मैं पहले एक बार प्रिंसिपल ये बना लेता हूँ, अमाउंट एक बार ये होगा पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, पहला दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता था यहाँ पर, तो यहाँ पर अमाउंट में जो इस पर ब्याज लगता था ए, ठीक है, यहाँ भी ए लगता था, इस वाली अमाउंट यहाँ पर बी है, जो इसका लगता था वो भी ए, और एक इस पर लगता था ब्याज हो जाता था बी के बराबर। ये जो डिफरेंस होता है ना हमारे पास कहाँ है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखा 3 वर्ष के CIUSI का अंतर, 3 वर्ष के CIUSI का अंतर कितना होगा, ये वाली चीज़, 3 वर्ष के CIUSI का अंतर कितना होगा 3a+b, सिंपल सी बात है। और 2 वर्ष के CIUSI का, अगर 2 वर्ष के CIUSI का अंतर देखा है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a रहेगा, तो इनका जो रेशियो है 3 वर्ष के CIUSI का अंतर और 2 वर्ष के CIUSI का अंतर का अनुपात है 19:6, तो इन इसकी वैल्यू है 19, इसकी जो वैल्यू हुआ है 6, समझ रही हो बात ना, 19:6। तो देखो ए की वैल्यू 6 दे रखी है यहाँ पर, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करूँ तो 6 थी 18, और बी की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, तो दोनों चीज़ें निकल गई। एक सिंपल सी बात, हमने रेट निकालना, ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, बी की वैल्यू 1 है, या फिर देखो क्या करना, हमने एक या SI की वैल्यू नहीं पता नहीं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 6/SI/100, या फिर भी यहाँ पे 1/6/100, सिंपल सी बात है, तो आ गया 16:2/3% इसका रेट, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपने बताया 3 वर्ष के CI का SI का अंतर है ये वाला, और 2 वर्ष के CIUSI का, अगर 2 साल का हम लेकर चलते जैसे PI पहले दूसरे साल का, तो ये SI आता था यहाँ इस पर ब्याज लगता जो कि ए, तो इनका अंतर जो सिर्फ और सिर्फ ए होता था इस टाइप में, ठीक है। तो 3a+b अरे इसकी रेशियो दे रखी थी, या ए की वैल्यू हमने निकाली इसमें पुट कर दी, बी की वैल्यू आ गई, अरे हमने पुट करने के बाद रेट निकाल लिया 1/6 × 100। तो भाई क्वेश्चन नंबर है अपना इब 34th क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है, कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले, दर प्रतिशत दे गया 33/1/3, ठीक है। तो एक बंदे के पास है, हमारे पास है 16,850 रुपये उस बंदे के पास, ठीक है। तो उसने क्या करना, ये 2 बेटा में अपने में पैसे बांटना है, एक लालो यो बंदा है, एक यो इसका बेटा है, तो जो एक बेटा उसका 12 वर्ष का, एक बेटा है 16 वर्ष का, तो 120 वर्ष की आयु में जब है उनको बराबर धन मिलना चाहिए। तो देखो इसको कितना टाइम मिलेगा, पहले वाले सन को 12 वर्ष का तो ले लिया, 120 में 12 घटा दो तो पहले वाले जो सन को मिलेगा 108 साल का टाइम, दूसरे वाले को 120 में 16 घटा देंगे ये इसको मिलेगा 104 साल का टाइम, ठीक है। तो जो इसका इनिशियल जो अमाउंट होगा वो हमें पता नहीं है, तो मैं इसकी मान लेता हूँ, इसको अगर ए अमाउंट मिले 1+r/100, देखो रेट दे रहा 33/1/3, 33/1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 3 99, 99/100, 100/3 परसेंटेज हटाओगे, देखो 100/3 परसेंट है तो परसेंट हटाओगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, 100 10 हो गया, 1/3 आ जाएगा रेट, तो रेट आ गया हमारे 1/3। और इसका टाइम कितना है, देखो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि 1+r/100
मल्टी जो टाइम और बार आ रहा प्रिंसिपल, ठीक है। तो यह वाली जो चीज़ है ना, इसके प्रिंसिपल है यहाँ पर, ए मैंने मान लिया, वन प्लस में रेट है 1/3 और टाइम है इसको 108 साल का इसके पास, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इसका प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल निकल कर ना, इसे में तो बांटना हमने, ए बी से में तो आओगी अमाउंट और जो बी वाली अमाउंट है वो बी से में तो आओगी, मतलब हमने एक तरीके इस तरीके से बांटना है कि जो कंपाउंड अमाउंट बनेगी 108 साल के बाद इसकी और 104 साल के बाद इसकी रेट वह 1/3 का, तो वह दोनों की दोनों इक्वल बने। तो ये बात को समझो, इसको 108 साल का टाइम मिला, 104 का टोटल टाइम है 120 साल का, यो है 12 वर्ष का, तो इसका जो टाइम बनेगा यहाँ पे 108 साल का बनेगा और इसको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 104 साल का, वो हमने टाइम रख दिया। और जो है कंपाउंड अमाउंट है ये वैल्यू बराबर होंगी दोनों की दोनों, क्योंकि 120 साल के जब ये दोनों हो जाएंगे तो इनको बराबर पैसा मिलना चाहिए, आयु में उनको बराबर धन मिले 120 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया ये वाली चीज़। तो यहाँ पर आ गया 3 और 1 = 4/3 हो जाएगा, ए की 4/3 और यहाँ पावर 108, बी की बी के अंदर ब्रैकेट के अंदर 4/3 और यहाँ पर पावर इसकी 104। ये देखो यहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको, सॉरी बी बटे ए कर लेते हैं, ए नहीं साइड जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी बटे में ए और यही साइड आ जाए, तो 4/3 की पावर 108, वो है नीचे 4/3 की पावर 104, या पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस हमारे पास सेम है। तो बी बाय में ए की जो वैल्यू आएगी 4/3 की पावर 108 में 104 के बचे हमारे पास 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 को मैं अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो आएगा अपने 256 के बराबर, और 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 81 के बराबर, ठीक है। तो B की जो वैल्यू आ गया है 256, A की जो वैल्यू आई है वह है 81, इनका दोनों का टोटल क्या है 16,850, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे 256 जमा में 81 हो जाए 337, यूनिट बराबर है 16,850 के, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगी 16,850 बटे में 337, जो कि कटक है अपना पाए 50 पर कट जाए, तो एक यूनिट बराबर है 50 के। तो हम बता देंगे पहले वाले को कितने पैसे देने हैं, तो पहले वाले को पैसे देने 81 यूनिट, एक यूनिट का जो है वो है 50 के बराबर, तो गुणा में 81, तो 81 पंजे हो जाए 5 × 5 = 40, तो 4,050 तो मिलेंगे पहले डे वाले को, ठीक है। तो दूसरा है उसको मिलेंगे अपना 256 ने 50 तक कर दो, या फिर 16,850 में 4,050 घटा दो, तो पहले डे वाले सन को मिले हैं 4,050, दूसरे वाले को मिलेंगे 12,800, कैसे कराया इसमें तो घटा दो 4,050, तो ये 12,800, तो इसको तो मिल गए 4,050, बी वाले को मिल गए 12,800, क्योंकि इसके पास टाइम कम है, इसके पास टाइम ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कराया, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, तो ये होता थोड़ा, एक बार अगर समझ में आ तो इसका रिपीट करके देख लेना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है मैं समझता हूँ, लेकिन हाई लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 35वां। देखो 35वें में क्या कह रहा है, तो ईब जो क्वेश्चन आ गया है वह क्वेश्चन आ गया हमारे पास इंस्टॉलमेंट के, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के हमारे पास क्वेश्चन अब निकल कर आ रहे हैं, और इनका ऐसा तरीका बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसको सोल्व कराऊंगा, और वो ही मेथड आपका हर एक क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के में लगता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, देखो इंस्टॉलमेंट में हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट जो होती है हमारे पास सेम चलती रहती है, जैसे आपने गाड़ी ले ली या फिर कोई बाइक ली है, तो कुछ डाउन पेमेंट दोगे, डाउन पेमेंट के बाद एक आपकी फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, तो वह इंस्टॉलमेंट आपने हर मंथ देती रहनी, तो वो सेम होती है। तो यहाँ पर कह रहा है एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा, बाइक की कीमत हमने ज्ञात करनी है। तो हमने इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमने रेट पता होना चाहिए, रेट है यहाँ पर 20%, 20% को हमें क्या लिखते हैं 20/100 और 20 × 5 = 100, इसको काट लेता हूँ। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 5 और जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास 1, तो मतलब देखो प्रिंसिपल जो उसका मूल वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, इंटरेस्ट है 1, मतलब इसका जो टोटल होगा 5 और 1 = 6, 6 क्या बनेगी हमारे पास इंस्टॉलमेंट। कैसे आपको समझ में नहीं आएगा इंस्टॉलमेंट कैसी बनती है, इंस्टॉलमेंट में हमारे पास मूलधन भी होता है, जमा में हमारे पास इंटरेस्ट भी होता है जो कि ब्याज होता है, तो मूलधन भी हो गया ब्याज भी हो गया, तो वो बनेगी हमारे पास इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल की या फिर पहले महीने की लगा लो, साल की लगा लो, जो भी दर होगी इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बराबर किस्त है, 3 महीने की लगा लो या 3 साल की लगा लो, जो पहली किस्त थी हुआ थी जो सॉरी उसकी मूल वैल्यू थी 5 और जो किस्त थी हुआ थी 6, ठीक है। जो अगली जो किस्त जाओगी ना, हमने क्या करना सिंपली इसका स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर कर देंगे हम 25 और 6 का स्क्वायर कर देंगे अपने पास 36,
ठीक है, उसका तीसरी किस्त क्या होगा, 25 ने फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो नंबर है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 ने फिर 5 तक करेंगे हो जाएगा 125, 36 ने 6 तक करेंगे हो जाए अपने पास हो जाएगा 216 के बराबर। यह आ गई पहले साल की किस्त, यह आ गई दूसरे साल की, यह आ गई तीसरे साल की, हमारे पास ये किस्त इस तरह से निकलता है आगे। यह थी प्रिंसिपल अमाउंट और ये थी हमारे पास इंस्टॉलमेंट, समझ गए बात ना। ये भी यहाँ पर क्या है, तीन बराबर किस्त, यहाँ पर बराबर किस्त दे रखी है, लेकिन यहाँ पर देखो बराबर किस्त नहीं है। अगर मैं बराबर बनानी है तो ये 36 को भी 216 बनाना पड़ेगा, 6 को भी 216, तो अगर मैं 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बने यहाँ 216, तो अगर यह 6 तक करिए तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यो 6 है तो ये भी हमने बराबर बनाना पड़ेगा 216, तो इसको मैं कर देता हूँ 36 से मल्टीप्लाई, ये भी 216 के बराबर हो गया। तो देखो इंस्टॉलमेंट हमारी सेम आ गई सारी, तो ये 36 तक रहा तो ये भी 36 तक करना पड़ेगा, तो 36 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दो 36 पंजे हो जाए अपने पास 180 के बराबर, 25 छिके 150 और 125 है ये, ठीक है। इसको प्रिंसिपल हमने सेम नहीं बनाना, बस हमने इंस्टॉलमेंट इक्वल बनानी, क्योंकि यहाँ पर देगा तीन बराबर किस्तों में। तो उसके बाद यहाँ पर अगर मैं टोटल करूँ, प्रिंसिपल 180 जमा में 150 जमा में 125 ही आएगा अपने पास 455 के बराबर। इंस्टॉलमेंट का करूँ 216 216, तीन बार जोड़ोगे तो आएगा 684 के बराबर। ये भी हमारे पास अमाउंट देखो क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है कि दर पर 10,800 की तीन बराबर किस्तों में पैसे चुकाता है। क्या करें यहाँ पर, एक आदमी ने बाइक खरीद ली, वादा किया 20% की दर से 10,800 रुपये की तीन बराबर किस्त, मतलब एक किस्त कितने की है 10,800, और हमने यहाँ पता कि एक किस्त हमारी कितनी यूनिट है 216 यूनिट, जो कि बराबर है 10,800 की, सिंपल सी बात है। तो एक यूनिट मतलब एक यूनिट किस्त किसके बराबर होगी 10,800 बटे 216, तो हमने एक रिलेशन निकालनी थी, जो हमने यूनिट यहाँ पर निकाल ली तो पूरा का पूरा यहाँ 50 पर कट जाएगा भाई, 216 ना 50 तक रहो 200, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर आ गई 50 रुपये के बराबर। जो भी कुछ पूछ रखे हम वो बता दें, बाइक की कीमत हमने ज्ञात करनी है, बाइक की टोटल कीमत जो कि प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो उसकी कीमत होगी, तो कीमत कितनी है 455 यूनिट, तो 455 यूनिट है पैसे हमें बनाना, तो एक यूनिट बराबर है 50 के, तो 455 गुणा में हम कर देंगे 50, जो कि आ जाएगी 22,750 रुपये के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इंस्टॉलमेंट क्या पहले बता देता हूँ, पहले इंस्टॉलमेंट जो कि हमारे पास 5 होता प्रिंसिपल या फिर उसकी वैल्यू, एक जो इंटरेस्ट होता है इसमें जुड़ने के बाद ही होता है अपने पास, ऐड होने के बाद इंस्टॉलमेंट बन जाती है, इंटरेस्ट कहते हैं इसको। तो 5 और एक 6, तो 6 में क्या आ गया, एक तो प्रिंसिपल भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया, तो ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट बन गई। अगली जो दूसरे साल की किस्त होती है क्या करते हैं, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 बन गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36 बन गया, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सा तरीका था इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 36वां बिल्कुल सेम है, देखो क्या कह रहा है, एक बाइक एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया और वादा किया कि 5% की दर से 3 समान वर्षीय किस्तों में पैसा चुका देगा, प्रत्येक किस्त की ज्ञात करो कीमत, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं, मतलब सिंपल रेट पता होना चाहिए कि भी रेट है हमारे पास 5%, तो 5% की जहाँ हम 100 लगा लेते हैं, यहाँ अपने पास बनेगा 1/20, तो 20 तो होगी प्रिंसिपल वैल्यू, 1 हो गया इंटरेस्ट, तो किस्त बनेगी 21 की। तो पहले साल है प्रिंसिपल वैल्यू 20, किस्त होगी 21 की, कितनी किस्त, 3 समान वार्षिक किस्त, तो 20 ने 20 तक मल्टीप्लाई कर देंगे फिर यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 421, ने 21 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 441, फिर क्या करें 400 ने 20 तो और मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 8,000, और 441 ने 21 तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 9,261 के बराबर। यह आगे पहले साल की, यह आगे दूसरे साल की, यह आगे तीसरे साल की, तो या तो उसकी है कीमत जो भी चीज़ हमने ली है, और या उसकी किस्त, ठीक है भाइयों। तो ये मैंने आपको बता दिया सिंपल सी छोटी ही तरीका। तो इब हमने किस्त करनी है 3 समान वार्षिक किस्त, समान है तो हमने समान बनानी पड़ेंगी, तो इसको क्या कर देते हैं हम 21 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 441 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बढ़ जाएगी 9,261 किस्त, या भी 9,261 या भी 9,261 या भी 9,261, तो तीनों के तीनों जो किस्त हैं वो हमारे पास समान हो चुकी है। इब इसको 441 तक रहे तो ये भी 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये 21 तक रहे तो ये भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस किस्त करेंगे तो देखिए इसने 4 × 4 = 8 तो ये बन जाए 8,400, यो ये इसने करेंगे तो यो फोर यो 441 ने 2 तक करेंगे तो 2 8 8 8 0, तो 8,820 के बराबर, ये 8,400 और ये हो गया 8,000। तो कीमत भी हम इसकी निकाल सकते हैं, इसका टोटल 8,400 जमा में, देखो 8 × 16 थी 24,000 थी, हो गया 400 और 820 अपने पास बन गया 25,220 की वैल्यू इसकी, या सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स में आई अभी, पूरी मतलब रुपीज़ में नहीं है,
और किस्त बनी है हमारे पास 9261 यूनिट की। तो यहाँ पर क्या है, एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया है और वादा किया कि वह 5% दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। देखो यहाँ पर ईब हमारे पास क्या है, 25,220 आ रहा है टोटल धन, जो कि उसने कीमत है जो कि उन्हें उधार पर लिया है उसकी किस्त चुकानी है। और यहाँ पर यो न्यू ये कह रहा है कि 25,220 है, तो मतलब हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास सेम है पैसे के, तो ये हमारे पास रुपये बन गए। तो 25,220 और किस्त कितनी बड़ी, 9,261 की, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर और कुछ होता ना, फिर यूनिट हमने निकालनी पड़ती, फिर उसको गुणा करना पड़ता, लेकिन सीधा का सीधा मामला हो गया है। तो किस्त कितनी बनेगी, 3 किस्त बनेगी, 9,261। इसमें इनका मूलधन भी चुक जाएगा और इनका ब्याज भी चुकता हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला, तो जो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपये बैंक से उधार लिए, मतलब स्टार्टिंग में इसने क्या करा है, 3,000 रुपये उधार ले लिए स्टार्टिंग में बैंक से उधार ले लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपये लौटा देता है, समझे बाद में, प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये लौटा देता। तो देखो पहले साल की जो कीमत किस्त बनेगी क्या होगा, 3,000 रुपये उसने लिए हैं उसमें ब्याज पर, उस पर लगा 30% ब्याज, तो 30,000 का 30% मतलब 3/10 इसकी वैल्यू का, तो 1,0×3 मतलब 900 रुपये, 900 रुपये लग गया ब्याज। तो ये बन गया टोटल 3,000, तो हमारे पास मूलधन था और ये टोटल बन गई वैल्यू 3,000, तो ये और 900 रुपये ब्याज लग गया, तो बन गया 3,900 रुपये, समझ रहे हो बात ना, 3/10 of 3,000, तो ये अपने पास 3×3 = 900 रुपये बन गया, ठीक है ब्याज, तो मैंने इसमें सीधा जोड़ दिया 3,900 रुपये बन गया। उसने क्या कराया भाई, 1,000 रुपये लौटा देता है वर्ष के अंत में, तो इसमें 1,000 रुपये लौटा दिए इसने, तो ये बन गया 2,900, तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में बन गया 2,900 रुपये। फिर उसके बाद अगले साल 30% ब्याज लग गया इसके एंड तक, तो 2,900 का अगर मैं 30% देखूँ तो होगा अपने पास 870 रुपये, तो 2,900 में 870 जोड़ जो बन जाए 3,770। उसके बाद क्या अगर उसने 1,000 रुपये फिर उसके अंत में दे दिए, 1,000 रुपये लौटा देता, ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसने कितना रुपया देना पड़ेगा। तो तीसरे वर्ष के जो स्टार्टिंग में उसको कितने, 3,770 में थे, 1,000 गए तो बन गया 2,770 बच गए। अब इसके अंत में तो स्टार्टिंग दिया तो तीसरे वर्ष की, तो इसका 30% और ब्याज लगेगा, तो 2,770 का 30% का ब्याज यो बने 831 रुपये, तो ये और इसमें जोड़ दो, तो 2,770 में अगर मैं 831 जोड़ तो बने 3,601 के बराबर। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसने 3,601 रुपये देने पड़ेंगे अगर उसने तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाना है तो, ठीक है, तो 3,601 रुपये उसने देना पड़ेगा तीसरे साल के एंड में। तो उसके बाद क्वेश्चन, तो भाई अगला क्वेश्चन देगा, प्रिंसिपल देगा 4,000 रुपये, टाइम देगा 2 वर्ष का, रेट देगा 8% CRSAI। तो ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं, तो जो आगे क्वेश्चन ये क्या हो रिपीट हो रहे हैं दोबारा बार बार, तो ये क्वेश्चन आपने आगे अपने आप करने, लेकिन मैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तो प्रिंसिपल देगा देखो यहाँ पर 4,000, तो 4,000 मैंने प्रिंसिपल यहाँ पर लिख लिया है, रेट 8% का, तो 8% मतलब 8/100, तो 4×2 = 8, यहाँ भी 4×2 = 8, रही 4×5 = 20, तो 2/25 आ गया इसका रेट, तो 4,000 का 2/25, अरे यहाँ भी 4,000 का 2/25 कर लेते हैं, तो 4,000 का 2/25, तो 5 पे काट देता हूँ, 25×5 = 40, तो 800। इसके बाद 5×5 बचे हमारे पास 3×5 = 16, तो पहले साल का ब्याज बना 320, क्योंकि 16×2 = 32, दूसरे साल का ब्याज 320। तो CIRSI का डिफरेंस क्या आएगा, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, तो 320 का भी हम क्या कर देते हैं, 2/25 निकाल देते हो, तो 5 पकड़ दे, 25×25 5×6=30 और 2×5 = 20, ठीक है। इसका क्या 64 में 2 तो मल्टीप्लाई, 4×2 = 8, 6×2 = 12, 128/5 = 8 देते हैं, 5×2=10, 25×25 = 5×3 तो 5×6=30, तो 25.6 आ गया यहाँ पे ब्याज। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारे पास टोटल हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में से सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट घटाओगे तो हमारे पास ये वैल्यू बढ़ेगी जो कि है 25.6 रुपये के बराबर। तो ये हमारे पास आंसर इसका निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 39 वर्ष 3 महीने, तो मैंने स्टार्टिंग में सारे के सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, और जो अगला क्वेश्चन इसमें देखो यहाँ पे 1 वर्ष और 3 महीने, जो पिछला क्वेश्चन था इसमें पिछले में क्या दे रखा था, 2 वर्ष का टाइम, वो है प्रिंसिपल दे रखा 4,000, रेट 8% का, टाइम 2 वर्ष का, CRSI का डिफरेंस हमने बताना, बस इसमें 1 वर्ष 3 महीने दे दिया है। जो तो दूसरे वर्ष का जो इसमें ब्याज निकल कर है जो योग्य 320 जमा 25.6, तो इसका टोटल तो ये हो जाए 320 जमा 25.6, ये तो जाए हमारे पास पूरे एक साल का मतलब 365 दिन का, उसके बाद हमने निकालना है 3 महीने का, समझ रहे हो।
तो यो जो ब्याज था या 12 महीने का, 1 महीने का कितना आ जाए बटे में 12, तो 3 महीने का जाता है गुणा में 3, तो 3 चौके 12, इस ब्याज ने 4 तक डिवाइड कर दिया तो यह ब्याज ही आ जाएगा यहाँ काला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 महीने का ब्याज निकल के आ जाएगा। ये भी यहाँ पर अगर पूरा पूरा नहीं पूछ रहा भाई ब्याज कितना तो हम बता देते, लेकिन डिफरेंस जो बताना है यहाँ पर सी आई आर एस आई, ये भी हमारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड दोनों मैच हो जाएंगे। तो ये वाला जो मेथड है ये 1 वर्ष 3 महीने या फिर 1 वर्ष 6 महीने इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं लगेगा। पूरा पूरा टाइम देखा 2 वर्ष का 3 वर्ष का, इस टाइप से हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये मेथड इसमें यहाँ पर फेल हो जाता, तो इसमें कौन सा मेथड करेंगे वो बता देता हूँ मैं एक बार, तो एक बार देखना ध्यान से। तो टाइम प्रिंसिपल दे रहा है 4,000, रेट दे रखा है 8% का, 1 वर्ष 3 महीने का टाइम है, सी आई आर एस आई का डिफरेंस बताना है। तो आपको पता होगा कि भाई देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालते, जैसे दो रेट दे रखे हैं हमारे पास, एक रेट दे रखा है जैसे 8% लगा लो, दूसरा रेट दे रखा है 10%, तो हम इसको मर्ज कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इनका अगर कंपाउंड पहले साल का 8% है, दूसरे साल का 10% है, तो टोटल परसेंटेज क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट की, अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ इन दोनों का, तो सीधा सीधा 8% लगा, 18% लगा सकते हैं हम, 10 और 8 18% किस पर प्रिंसिपल पर, तो हमारे पास ये सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में यूँ नहीं होता, क्या करते हैं वाला फॉर्मूला देखा होगा आपने, एक्स प्लस में वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में सो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगता है, तो मतलब 8 प्लस में 10 प्लस 8 × 10 बटे में 100। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल कर आती है। और जो दूसरा तरीका है वो हम ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, डिफरेंस बाय प्रिंसिपल जो कि मैंने बताया था, आर बटे में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका तो बिल्कुल बेसिक है इसमें जो लगा सकते हैं, लेकिन जो अगले वाले आने वाले क्वेश्चन है मैं जो तरीका कारगर होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखो टाइम पहले हमने मैनेज करना पड़ेगा, 1 वर्ष 3 महीने का, तो ये ब्याज देगा सालाना, 1 साल का ब्याज 8%, तो 3 महीने का कितना होगा, सिंपल सी बात है, देखो ये क्वार्टरली है मतलब 12 महीने में, 1 साल में 12 महीने, तो 3 महीने में कितने कितने बनेंगे, तो हमारे पास 4 पेयर बनेंगे। तो इसका हम क्या करते हैं 1/4 कर देंगे 8% का, तो ये बनेगा हमारे पास 3 महीने का ब्याज 2%। ठीक है, साल का है 8, तो 3 महीने का कितना बनेगा, मतलब 8% है 12 महीने का, तो 1 महीने का हो गया बटे में 12, और 3 महीने का कितना आ जाएगा गुणा में 3 × 3 = 12 4 × 8, तो 3 महीने का बनेगा 2%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल का आया, पहले साल का 8%, दूसरे साल का 2% प्लस 8 × 2/100, तो ये टोटल परसेंटेज निकल का आ जाएगी इसका, जो हमारे पास निकल का 8 × 2 = 10 8 × 2 = 16 और नीचे 2 0 = 0.16, तो 10.16 आ गया इसका ब्याज निकल का हमारे पास। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का आएगा हमारे पास 8%, तो सिंपल ब्याज, और 3 महीने का 2%, तो सीधा जोड़ दो, तो ये आएगा 8 × 2 = 10%। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने परसेंटेज का आया, तो 0.16% का आया है। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस है जो हमने निकालना, बस इसका हम क्या करते हैं 0.16 का है प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.16 जो परसेंट जो रेट आया है इसको प्रिंसिपल से गुणा करते हैं, सिंपल सी चीज़ थी 4,000 जो प्रिंसिपल आया है। ये भी यहाँ पर क्या है परसेंटेज का, तो हम एक बार 100 लगाएंगे नीचे, और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 और 100 आ जाएगा नीचे, तो 3 0 काट दो, सिंपल सी बात, 3 0 हमने यहाँ पर काट दी, 16 चौक हो जाए अपने पास 64/10 जो किया जाए 6.4 रुपये के बराबर, समझ रहे हो बात है ना, 6.4 या फिर 6.40 रुपये। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस फॉर्मूले से देखते हैं जो कि हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में सुन, जो कि एक्स वाई के हमारे पास 2 रेट हैं, और सिंपल इंटरेस्ट सीधा हमारे पास ऐड हो जाते हैं 2 रेट, उसका हमने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना हमारे पास रेट का, या फिर इनके डिफरेंस भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड करा 10.16 आया, सिंपल इंटरेस्ट बनाया 10% 2 साल का, तो इनका डिफरेंस कितना 0.16%, वो हमने प्रिंसिपल तक गुणा कर दिया, तो वह हमारे पास आ गया इन दोनों का डिफरेंस के बराबर, समझ रहे हो बात ना। अगर इस तरीके से भी करोगे तो इसमें भी ये बिल्कुल सेम तरीका है। तो उसके बाद क्वेश्चन अपने पास 40वां, देखो 40वें में क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम है पिछले वाले की ढाल, अपने पास प्रिंसिपल नहीं दे रहेगा, टाइम दे रहेगा 1 वर्ष 6 महीने का, रेट है 6%, देखो पहले साल का रेट दे दिया 6%, अगले साल का 6 महीने का सिर्फ, तो इसका आधा हो जाएगा, तो अगले साल का है रेट 3%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं निकालूँ 6 और 3 और 6 × 3 फिर बटे में सो, 6 और 3 9, अरे 6 3 18, तो 0.18, तो 9.18 हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल। उसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले साल का है 6, दूसरे साल का है 3, तो 6 और 3 9%।
कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया, 0.18। इसने क्या करो, 0.18% गुणा में प्रिंसिपल तो कर दो, हमारे पास जो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाता हमारे पास CISI का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ही मिसिंग है, तो प्रिंसिपल ही हमने निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो हमारे पास वैल्यू है 9.18, समझ रहे हो। तो अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, देखो प्रिंसिपल पे अगर मैं 9.18% लगा दूँ, समझ रहे हो बात, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया जो कि 4590 रुपये। अगर मैं 100 ऐड करके लगाता, देखो ये इसमें कई भी चढ़ते हैं, एक तो खाली 9.18, या फिर इसमें 100% ऐड लगा कर, 100% क्या होता है, अगर मैं 109.18 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाती है, हमारे पास कंपाउंड अमाउंट के बराबर हो जाती है, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल भी आ जाता है और हमारे पास ब्याज भी आता है, तो जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट भी। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो सीधा हमने 9.18 निकालना प्रिंसिपल का, जो कि बराबर होगा 4590 रुपये के बराबर, ठीक है। तो पी का 9.18% हो जाए 4590, तो ये ऊपर ही न जा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये नीचे डिवाइड करेगा, तो परसेंटेज का ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे रह जाएगा 9.18, 18 पॉइंट हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसने पूरे ना काटेंगे तो अपने आप प्रिंसिपल निकल गया होगा 50,000 के बराबर, ठीक है। इसने आप ट्री वाले मेथड से, लेकिन जो छोटा तरीका है भाई वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़े लंबे टाइप में, ठीक है, ये न्यू ना समझ नहीं, बड़े 12th बेस के पेपर पा जाएंगे, थोड़े लंबे क्वेश्चन है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41वां, देखो प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, रेट दे रखा 5%, टाइम दे रखा 1 वर्ष 73 महीने का, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 302.50 रुपये के बराबर। एक बात आती है देखो यहाँ पर कि 1 साल का तो 5% है, तो 73 दिन का और निकालना हमने, तो 1 साल का हमने पता 5% है, तो देखो 365 दिन का तो हो गया 5%, 1 दिन का हो जाएगा 5/365, 73 दिन का कितना हो जाएगा गुणा में 73, सिंपल सी बात है, तो इसने काट पीट का जो आएगा वो आएगा 1% के बराबर, ठीक है। तो 73 दिन का आ गया 1% और 1 वर्ष का आ गया हमारे पास 5%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस में टोटल क्या निकल का होगा, 5% तो पहले साल का, दूसरे साल का 1% प्लस में 5 × 1/100, तो 5 × 6 और ये हो जाएगा प्लस में 0.05, तो 6.05%। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट भी हम बता सकते हैं ऐसे 5 × 6 = 0%, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो प्रिंसिपल को क्या कर देता हूँ मैं 6.05% से मल्टीप्लाई, जो कि बराबर है 302.50 रुपये के बराबर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, परसेंटेज का लगाओगे 100 पॉइंट हटाओगे और 100 आओगा, तो ये 100 और 100 उड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, और ये नीचे वाला है 6.05 नीचे, सॉरी 605 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के हमने 0 लगा चुके हैं, तो इसने भी काट का पॉइंट पास बनेगा 5,000 के बराबर इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हम इस तरीके से निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास इसका 42 क्वेश्चन में देखो, प्रिंसिपल देगा 8,000 रुपये, टाइम देगा 3 वर्ष का, लेकिन रेट पहले साल का 1%, दूसरे साल का 2%, तीसरे साल का 3%। तो इसको आप एक तो पहली बात है ट्री मेथड से बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है, ट्री मेथड मैंने आपको बता रखा है, लेकिन इसमें मैं करा रहा हूँ थोड़े अलग तरीके से, छोटा तरीका। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इब 2% पर लगाना सिखा दिया मैंने, 3 पर कैसे लगाएंगे, 3 का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले 2 पकड़ लो, तो पहले 2 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1 × 2 × 1 × 2/100, 2 × 3 × 2 = 100 जो गया 0.02, तो यह आएगा 3.02। ये तीसरा और उठा ले जो कि 3% जमा में 3% प्लस में 3.02 × 3/100, तो यह आएगा 3 × 3 = 6.02, और इसने और करेंगे 3 तक मल्टीप्लाई, तो 3 तक मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा 906 के बराबर, फिर 100 तक करेंगे तो ये टोटल बनेगा 0.0906, क्योंकि 100 नीचे आ जाएगा इसका, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो बनेगा 6.1106, तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूँ, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ऐड कर दो 3 × 2 = 5 × 1 = 6%, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 6%, कंपाउंड इंटरेस्ट है 6.1106%, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 0.1106%, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिफरेंस, प्रिंसिपल तो गुणा करके यहाँ पे इसका डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो परसेंटेज का हम 100 लगा देंगे, इसे ना हटाओगे, इसका और हमारे पास 1, 2, 3, 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, यो और प्रिंसिपल हमने पता है 8,000 के बराबर है, तो ये 8,000 हो गया,
इसने काट पिटा करके जो भी हमारे पास काटा पिट्टी करनी है काट कूट कर अपने पास बनेगा 8.848 इसका डिफरेंस के बराबर। ठीक है, 8000 गुणा में 1106 बटे में 100 और गुणा में ये 40 और इसके नाम की। ठीक है, तो काट कूट का आप देख लेना, तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा सी आई और एस आई का, जो कि 8.848 के बराबर। अगर आपने ट्री मेथड तक करना उससे भी आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसकी, इसलिए। उसी तरीके 43वां और 44वां क्वेश्चन भाई बिल्कुल सेम है। तो देखो 43वां क्वेश्चन है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा था, टाइम दे रखा 3 वर्ष का, रेट दे रहा 5, 4, 3, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले क्या करें 5% में 4% में निकालें, तो 5 और 4, 5 जमा में 4 जमा में 5, गुणा में 4/100, तो इसका आएगा 9.02 के बराबर। उसके बाद 3% मोर लगा देंगे, तो 9.02 जमा में 3% जमा में 9.02 गुणा में 3/100, तो रेट टोटल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 12.476, समझ रहे हो बात ना। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट आएगा वो आएगा 12% के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो हमारे पास क्या करेंगे, रेट को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करें, 12.476 परसेंटेज का नीचे 100 लगा दिया इज इक्वल टू मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर, जो कि 12,476। ठीक है, इसके नाम का नीचे 1000 और लगा दो, ये 3 जीरो कटेंगी, तो इस तरह सीधा काट दें यहाँ पर, और प्रिंसिपल जो बनेगा 1000 गुणा में 100, तो 1 लाख रुपये के बराबर बन जाएगा इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस तरीके से 43वां क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो भाई 44 में प्रिंसिपल नहीं दे रखा, रेट दे रखा 4% का, यहाँ पर बात समझनी है, टाइम दे रखा 1 और 6 महीने मतलब 1.5 साल का, 1.5 ईयर्स का। यहाँ पर सी आई और सी आई का जो डिफरेंस है 204 के बराबर दे रखा है, 204 रुपये के बराबर। लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, सी आई पहला जो है वो है अर्धवार्षिक, और जो दूसरे वाला है वो है वार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक आधे साल के हिसाब से लगेगा वो। तो जो वार्षिक वाला जो सी आई है उसको हम देख लेते हैं, वार्षिक के हिसाब से लग रहा है, मतलब एक साल का जो पहले वाले साल का तो 4% लगेगा, दूसरे साल का मतलब 6 महीने मतलब आधा साल है, तो आधा रेट लगेगा मतलब 2% लगेगा, तो 4 जमा में 2 जमा में 4 गुणा में 2/100, तो 6.08% आ गया। उसके बाद आया अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक देखो टाइम है 1.5 साल का, समझ रही बात, और लग रहा है कितना अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने के हिसाब से, तो 6-6 महीने 1.5 साल में कितने बनेंगे, 6-6 महीने बनेंगे 3। ठीक है, तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास 3 वर्ष या कुछ भी कह लो, तो यहाँ पर देखो टाइम दे रहा है 3 वर्ष का एक तरीके से, और अर्धवार्षिक का मतलब साल का ब्याज है 4%, तो आधे साल का मतलब 6 महीने का ब्याज कितना हो जाए 2%, समझ रहे बात नहीं, इन 2-2% के हो गए हर 6 महीने बाद लग रहा है, 3 बार लग गया है, तो इनको टोटल करेंगे 2 जमा में 2 गुणा में 2/100, तो 2 और 2 4, 2 4 0.2 तो यह 4.04, फिर इसमें 2 जोड़ देना हमने, गुणा में 4.04 गुणा में 2/100, तो इसने करने के बाद आएगा 4.1208 के बराबर, और यह आया था 4.608 के बराबर। तो वार्षिक वाले में था अर्धवार्षिक वाले में तो वार्षिक वाला घटाना है, मतलब इस वाले में से यो माइनस होगा, तो यो माइनस होने के बाद आया 0.0408 के बराबर। उसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल से गुणा करने के बाद इनके डिफरेंस के बराबर रख दें, क्योंकि जो ये डिफरेंस ये आया ना रेट, ये किसका रेट का डिफरेंस है, सी आई माइनस में सी आई, सी आई यो वाला है अर्धवार्षिक और यो है वार्षिक वाला। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल से गुणा कर दो और रेट का ये हमने हटा देंगे, इज इक्वल टू आएगा 204 के, तो परसेंटेज का आ जाएगा 100, और ये पॉइंट हटाओगे तो 1, 2, 3, 4 जीरो ये आऊँगी, इज इक्वल टू 204 सोल्व कर लेंगे, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5 लाख के बराबर। उसी तरीके से भाइयों इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो है प्रिंसिपल 4000 समय 1 वर्ष 6 महीने सी आई अर्धवार्षिक और यो वार्षिक वाला, रेट दे रखा है 6%, तो वार्षिक वाला लेकर आएंगे तो वो 6% और 6 महीने अगले का इसका 6 का आधा कर दो 3%। ठीक है, पूरे साल का तो 6% है, तो 6 महीने का सिंपल सी बात इसका आधा हो जाएगा 3%, तो 6 और 3 हो जाए 9.18। उसके बाद अर्धवार्षिक के हिसाब से मतलब 6-6 महीने का, तो 3-3% के लगेंगे 3 बार। ठीक है, 3-3% को हम 3 बार जोड़ेंगे, वो फॉर्मूला 3 जमा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3/100, यो निकल का फिर उसके 3% में फिर जोड़ना है, मतलब 3 और 3 हो गया 6 और 3 3 9, तो 0.0, तो 6.09, फिर इसको 3% में जोड़ना, तो 6.09 गुणा में 3/100, तो इसका जो टोटल आएगा 9.2727। इसमें तो हम यो वाला वार्षिक वाला घटा देना है, तो डिफरेंस आएगा 0.0927 का। इसको क्या करना, हमने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंस के बराबर,
आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ थी। तो यह आया 3.708 इनका डिफरेंस। तो ये थे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर राकेश यादव सर की मैथ की सॉल्यूशन, जो क्लास नोट्स इन्होंने हैंड रिटन नोट्स करा रखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आगे आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।